ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा कर कहिए, उमंग उत्साह से कहिए, स्नेह से कहिए। बहुत अच्छा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड है मॉर्निंग गुड। अच्छा, नाश्ता किया सबने पेट भर के? नहीं? हाँ जी। अच्छा, सुबह का नाश्ता हल्का होना चाहिए। ठीक है, हल्का है तो भी फायदा है, फिर नींद नहीं आएगी। ठीक है ना? नहीं तो फिर बहुत सुंदर सुंदर क्लास सुनकर अच्छी अच्छी मीठी मीठी क्या आएगा, फिर नींद आ सकता है। चलिए, मुझे बहुत खुशी होती है और बाप दादा को तो होती ही होती है कि बाप दादा अपने होवनहार बच्चों को देख रहे हैं, और विशेष गिरीश भाई को भी खुशी होती है कि हम अपने हमजिंस से मिल रहे हैं, क्योंकि गिरीश भाई भी कुमार है। ठीक है, और बाबा को बहुत आश है कुमार और कुमारियों पर। जो जिम्मेवारी का ताज होता है ऑफिशियल, वो कुमार कुमारियों को ही दिया जाता है। अच्छा, कुमार ज़्यादा लकी या कुमारी ज़्यादा लकी? कुमार ज़्यादा भाग्यशाली या कुमारियाँ ज़्यादा भाग्यशाली? हाँ जी, दोनों ही भाग्यशाली। अच्छा, ये सुनकर मुझे तसल्ली हुई कि कोई तो है जो हमें भी इक्वली भाग्यशाली समझता है। ठीक है, लेकिन बाबा पता है क्या कहता है? बाबा कुमारियों को कहता है लकी कुमारी, कुमारों को लकी कुमार नहीं कहता है, कुमारियों को कहता है लकी कुमारी। भाई कितना भी मेहनत कर लें, कितने भी पुराने हो जाएं, ना दादा बनेंगे, वो भाई के भाई ही रहेंगे। लेकिन अगर कुमारी ने, लकी कुमारी ने अपने जीवन का निर्णय लिया और वो फिर ट्रेनिंग वगैरह लेकर समर्पित होती हैं, तो हम जैसे बड़े भाई भी छोटी छोटी कुमारियों को दीदी ओम शांति, सीधे कन्या से, ब्रह्मा कुमारी से सीधे दीदी। हम लोग तो कभी दादा नहीं बनेंगे भाई। ठीक है, आप 25 साल 50 साल भी रहो ना तो भी भाई जी भाई साहब उतने ही रहोगे, लेकिन बहन दीदी दादी बनने का भाग्य किसको है? कुमारियों को है। अगर कुमार जाकर दीदी को कहें दीदी मैं समर्पित होना चाहता हूँ, सेंटर खोलना चाहता हूँ, सेंटर पे रहना चाहता हूँ, तो दीदी बोलेगी नौकरी करना, पहले घर को संभालो, बताती हूँ, इतना जल्दी छुट्टी नहीं मिलता है। लेकिन बड़े जो होते हैं ना दीदी दादियाँ, वो इंतज़ार करते हैं कोई कुमारी बाबा के घर को संभाले। और जब टीचर बनते हैं तो पता है आपको क्या मिलता है दहेज में? पूरा सेंटर। अब आप ये सेंटर संभालो, कुमारों को कोई सेंटर मिलता है? हाँ, रहने दीजिए, आपका तकलीफ मैं समझता हूँ, उनके चेहरे से ही हमको तो नहीं मिलता। सेंटर को चलाने की, दत्ता भाई नाश्ता किया? पक्का सबने नाश्ता किया? हाँ जी, छोटू आपने नाश्ता किया? वेरी गुड। तो हम कितना भी अथक हो जाएं, लेकिन बाबा ने विशेष कुमारियों को ये स्पेशल, इसीलिए बाबा कहता है कुमारी माना लकी कुमारी।
तो इतना भाग्यशाली स्वयं को समझना और ये लक को प्राप्त करना, लक को लेना, ये भी अपने आप में बहुत बहुत विशेष भाग्य की निशानी है। लेकिन बाबा कुमारियों को पता है क्या कहता है, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी नहीं, और कुमारों की भी विशेषता बता देता हूँ, बाबा कुमारों को कहता है कि ये सनत कुमार है, कुमार माना ही प्योर शुद्ध कुमार है ना, और बाबा कुमारों को कहता है सनत कुमार। और सनत कुमार की विशेषता पता है आपको, किसी को पता है सनत कुमार माना कौन? बाबा मुरलियों में कहता है कुमार जीवन माना सनत कुमार। और सनत कुमार की विशेषता है उसको हमेशा 5 साल का बच्चा ही दिखाया है, बड़ा दिखाया ही नहीं। और 5 साल का बच्चा, कोई भी बच्चा हो, बच्चे का चेहरा देखो, बच्चे का हाव भाव देखो, बच्चे का स्वभाव संस्कार, बच्चे की मस्ती देखो, उसमें सब इनोसेंस भरा हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं, कोई अंश भी नहीं है, उसको कोई विकार नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं, एकदम सिंपल है। इसीलिए बाबा कहता है कुमार माना सनत कुमार। और जैसे बहन बता रही थी ना, कुमारियों को तो 100 ब्राह्मण का, लेकिन कुमारों को 700 ब्राह्मण, लेकिन उतनी पवित्रता, उतनी शुद्धता, उतनी सिंपल सिंप्लिसिटी वो होना चाहिए कुमारों में। और कुमार कुमारी पूरे ब्राह्मण कुल में अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा भाग्य की निशानी। क्यों? क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार आपको और मुझे आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, संगम का ज्ञान ऐसे इस जीवन काल में ऐसे समय पर मिला जहां हम जिम्मेवारी का टोकरा, उल्टी सीढ़ी हम चढ़े ही नहीं, उसके पहले ही मुझे मिल गया। क्योंकि गिरीश भाई जब बहुत बाबा के बच्चों से हम मिलते ना, तो माताएं बहुत दिल में थोड़ा सा अफसोस लेकर मुझे कहती हैं, काश हमारी शादी नहीं हुई होती थी ना, हमको पहले बाबा मिल गया होता ना, तो हम तो ये करते ये करते ये करते, अब क्या करें, नहीं कर सकते, घर की जिम्मेवारी है, घर वालों को भी संभालना पड़ता है। और इसीलिए भी हम बहुत लकी हैं क्योंकि हमें कुछ बोझा नहीं है, किसी बात की जिम्मेवारी नहीं है। कुछ होंगे बाबा के बच्चे जिनको शायद परिवार की कुछ जिम्मेवारी हो सकती है, धन के रूप से या कोई संबंध के रूप से, बट फिर भी अगर देखा जाए, इसीलिए हम लकी हैं क्योंकि हमने संगम युग में ड्रामा प्लान अनुसार बाबा के ज्ञान को प्राप्त करने के समय पर हमने अपनी इच्छा से कोई संबंध नहीं जोड़ा। माता पिता के घर में मेरा जन्म हुआ वो ड्रामा प्लान, मैंने नहीं चाहा था, बट है। बट इस जन्म में कुमार के रीति से ही जीवन, मौजों का जीवन जीना, मतलब मैं, मुझे और कोई नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए का अर्थ है उस आत्मा से मेरा कोई हिसाब किताब नहीं, हमने नया हिसाब किताब बनाया ही नहीं, हमने पहले ही, तो बस हमको एक ही चीज़ करना है, हमारे पास्ट के हिसाब किताब को चुक तो करना है, नया तो हम बना ही नहीं रहे। कितना बड़ा भाग्य की बात, अब हमने नया बना भी लिया, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, और फिर इनको भी संभालो, बाबा को भी संभालो, योग तपस्या भी करो, इनको भी पाल पोस कर बड़ा करो, कितना कॉम्प्लिकेशन। तो कुमार, तो माताएं अधर कुमार, कुमार कुमारी, ये सब में कुमार कुमारियों को बहुत भाग्य है, क्योंकि चांस है, आप हर पल सफल कर सकते हो, हर संकल्प आप सफल कर सकते हो,
हर कर्म सफल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि और हमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन बाबा, बाबा तो टीचर भी है ना, बाबा तो शिक्षक भी है, तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार से समझाता है। कुमारी माना शक्ति रूप कुमारी, और बाबा बहुत स्पेसिफिकली कहता है शक्ति रूप कुमारी क्यों, क्योंकि बाबा ने कुमारियों में दो कमजोरी देखी, और यही दो कमी के कारण कुमारी जीवन का जो भाग्य है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी लकीर लग जाती है। आप बता सकते हैं दो कमी बाबा के महावाक्य हैं 98 की मुरली का है, विशेष बाबा कुमारी और कन्याओं से मिल रहे थे। गेस करिए दो कमी, हाथ ऊपर उठाइए और जवाब दीजिए। हाँ बोलिए दीदी, बोलिए क्या कहा? भय। अच्छा, डरते हैं। और बताइए। हाँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशनली सेंसिटिव है। और बताइए, बाबा को कुमारी और शक्ति, अच्छा शक्ति शब्द के हिसाब से कहा, डर रहे हैं, स्मार्ट है हमारी मोना दीदी। कुछ बच्चे ना बहुत स्मार्ट होते, प्रश्न में से ही उत्तर ढूंढ लेते हैं, ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा बताइए, दो वीकनेसेस। हाँ जी, हाँ बिल्कुल करेक्ट। एक है शक्ति रूप कुमारी, अर्थात कोमल नहीं शक्ति रूप। अब हम ही कोमल और हमारे सामने सेंटर पे आने वाले और दुखी, अब उनको हमको शक्तिशाली बनाना है और हम ही कोमल। वैसे यहाँ कोई है कोमल बहन? हाँ, मुझे लग रहा था कोई ना कोई तो कोमल होगी यहाँ पर, ठीक है। तो कोमल नहीं बनना शक्ति रूप। और दूसरा, दूसरा कमी, दूसरी विशेष कमी है किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति से प्रभावित होना। और जहां प्रभाव है वहां पर फिर बाप दादा नहीं है, और जहां प्रभाव है वहां पे विघ्न आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती। तो बाबा ने कहा कि होना क्या चाहिए कुमार और कुमारी जीवन का लक्ष्य? एक बाबा, दूजा ना कोई। दिल से, संकल्प से, हर संकल्प में एक बाबा। आप सबके साथ कार्य व्यवहार में आ सकते हैं, लेकिन कोमलता नहीं होनी चाहिए और किसी के प्रभाव में नहीं आना। और प्रभाव में हम क्यों आते हैं? प्रभाव में क्यों आते हैं हम? किसी से इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं? बाबा को भूल जाते हैं, वेरी करेक्ट। और तो प्रश्न ये उठता है कि बाबा को क्यों भूलें? हाँ जी, देह अभिमान के कारण। अच्छा, और प्रभाव में क्यों? क्यों मुझे कोई विशेष अच्छा लगता है? कोई गलत भाव नहीं है, लेकिन ये या अच्छा, इनसे ही बात करना अच्छा लगे, इनके। हाँ जी, अच्छा, यू आर कंफर्टेबल, वो कंफर्ट छोड़ के ये कंफर्ट। हाँ, ये कंफर्ट क्यों? विशेषताओं के ऊपर? हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूं ना, विशेषताओं पर क्यों प्रभावित होते हैं? उसके लिए दो तीन कारण है। जैसे एक बस मूलभूत कारण, तो हम बाबा को भूल जाते हैं, देह अभिमान में आते हैं, वो तो है ही है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा हमको इम्पैक्ट करता है, और इसकी वजह से ही हम देह भान में और फिर हम भूल जाते हैं, कि
वो जो विशेषता उनमें नजर आ रही है वो मेरे में नहीं है। मान लो मेरे में थोड़ा सा सहनशीलता का गुण कम है और मेरे सहनशीलता की कमी से हमारे अपूर्वा दीदी भी दो चार बातें सुना देते हैं मुझे, आप तो ऐसे ही हो, सहनशील तो हो ही नहीं। अब ऑलरेडी मेरी कमजोरी है, ठीक है, लेकिन मेरी सहनशीलता की कमी को ध्यान में रखते हुए सामने वाला बहुत सहनशील बन के मुझे हैंडल करता है, मुझे कभी डांटते नहीं है, मुझे कभी रौब नहीं दिखाते, मेरी कमी कमजोरी नहीं बताते, क्योंकि उनमें मेरे को हैंडल करने के लिए बहुत सहनशीलता है। गए, मुझे ये नहीं अच्छी लगती, वो अच्छी लगती, वो सेवा बोलेंगे तो हम धरती आसमान पाताल एक करके भी हाँ जी कर देंगे, ये बोलेंगे तो बताती हूँ दीदी बहुत काम है ना ऑफिस का, कल कर सकते हैं कि आज तो छुट्टी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर छुट्टी भी आ गई, सब प्रकार का हम सहयोग देने के लिए तैयार है, क्यों, क्योंकि मुझे ये पसंद है और यहाँ पसंद नहीं है। अब मेरी उस सेवा का आधार ना परमात्मा है, ना ज्ञान है, ना विश्व सेवा है। अगर वो होगा तो ये बोले चाहे ये बोले, आप तो सेवाधारी हो ना, आपको तो करना ही है, ऑर्डर इज ऑर्डर। अब मैं इनके कहने पे करता हूँ, इनके कहने पर थोड़ा सा टालता हूँ क्योंकि ये अच्छे हैं। और क्यों, और ये क्यों अच्छे हैं, क्योंकि मेरी कमी को वो कितने अच्छी तरह हैंडल। अच्छा, शिव बाबा आपकी कमी को देखकर कैसे हैंडल करते हैं? हाँ, प्यार से। उनका प्यार नहीं नजर आ रहा है, अब इनका समझ में आ रहा है और इनका तो दुख दे रहा है, तो हम एक से प्रभावित एक से दूर, और ये दोनों के चक्कर में वो ओम शांति, उनका तो पता ही नहीं है शिव बाबा। और फिर ये सब हमारे आत्मा को बेहद में नहीं जाने दे, हद में आ गए हम, इनको देखा, इनको देखा, खुद की कमी कमजोरी को देखा, तो हद में आ गए। तो विशेष कोमल भी नहीं बनना है और किसी में प्रभावित भी नहीं होना है। अगर किसी में है कोई विशेषता तो वो विशेषता किसने भरी? परमात्मा ने बनी है। लेट मी डू इट, ठीक है। चलिए, आज की मुरली सुनी सबने? सुनी, रिवाइज किया, चिंतन मनन किया, मेडिटेशन करें 5 मिनट आज की मुरली के आधार से। आज बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, 3 प्रकार के योगियों के बारे में कहा। कौन कौन से 3 योगी? पहला स्नेही सहयोगी, नंबर 1 कैटेगरी। दूसरा सहयोगी योगी, दूसरा कैटेगरी। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, निरंतर योगी प्रयोगी। और तीनों में अंतर क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, अंतर क्या है तीनों में? हाँ जी, कभी कभी, कभी कभी स्नेही सहयोगी। अच्छा, तीनों में अंतर मैं बताता हूं। गिरीश भाई को जब चश्मा लग रहा था ना, आपको भी लगा हुआ है कई लोगों को, ठीक है, तो वो जो डॉक्टर होते हैं ना, वो बिठाते हैं सामने, थोड़ा दूर पर एक बोर्ड होता है, उसमें अक्षर बड़े, फिर और छोटे, और छोटा, और छोटा, और छोटा, तो एक चश्मा फ्रेम होता है, वो ये दोनों में वो डालते हैं, इसमें तो कुछ दिखता नहीं है, ब्लर्ड हो जाता, मान लो इसमें प्रॉब्लम है, फिर वो एक लेंस डालेंगे और बोलेंगे पढ़ो दिख रहा है, हम बोलेंगे हाँ HJK, ठीक है, और छोटा करेंगे, अब दिख रहा है, मैंने कहा मुझे तो नहीं दिख रहा है, वो लेंस चेंज करके शुद्ध हाई पावर वाला डालेंगे, हाँ हाँ अभी ये भी दिख रहा है, अक्षर को और छोटा करेंगे, दिख रहा है, नहीं नहीं अब नहीं दिख रहा है स्पष्ट, वो निकाल कर और पावरफुल लेंस, ठीक है, अब दिख रहा है सब, छोटे से छोटा अक्षर भी अगर आपको दिख रहा है तो वो डॉक्टर को समझ में आ जाएगा ये लेंस से आपका 6x6 का अचीव हो रहा है, मतलब आपको दिख रहा है, ठीक है। स्नेही सहयोगी फर्स्ट कैटेगरी, वो सबसे फर्स्ट वाला लेंस, उसमें वो घर सेंटर पे आएंगे, मधुबन जाएंगे, बहनों से मिलेंगे, पता है उनको दिख क्या रहा है, यहाँ कितनी साफ सफाई है, शिव बाबा नहीं दिखा, उस शिव बाबा के लिए ना पावरफुल लेंस चाहिए, उन्हें सब स्थूल स्थूल नजर आ रहा है,
यहाँ की बहनों का मैनेजमेंट कितना अच्छा है, छोटी सी बहन क्या बड़े बड़े प्रोग्राम, वही लेंस है उनको। यहाँ के भाई बहनों की क्या, इनकी सफाई, सादगी, अथकपना, इतनी छोटी छोटी बहनें और इतना बड़ा प्रोग्राम कर ले। मैं माउंट आबू गया था, क्या मैनेजमेंट है, कोई किसी को ऑर्डर ही नहीं दे रहा, 10,000 लोग एक साथ खाना खा रहे हैं, क्या उनका सोलार प्लांट। अब भगवान जहां आते हैं उसको ये सोलार नजर आ रहा है और वहीं पे ज्ञान सूर्य आता, वो अभी तक गया ही नहीं, वो तो पावरफुल लेंस है ना, फ्री। तो उसको बड़ा स्नेह है ब्रह्मा कुमारी से और सेवा में रेडी। दीदी ने फोन किया, भाई साहब थोड़ा ये सेवा है, दीदी कर देता हूँ, सहयोग भी दे देंगे, धन से भी दे देंगे, तन से भी दे देंगे, उनका कनेक्शन जो भी होगा वो सबसे। स्नेह है ना, किससे स्नेह है, वहां से स्नेह नहीं आया, तो वो सबसे स्नेही सहयोगी। चेक करिए अपने आप को, हम स्नेही सहयोगी हैं या उससे भी एक कदम आगे हैं। सेंटर पे स्नेही सहयोगी भी हैं बहुत सारे, कुमार भी कुमारी भी, सेवा के लिए हां जी, मुरली के लिए ना जी, योग के लिए तो ओम शांति, वो तो हमको पता ही कहाँ है दीदी टाइम, और सेवा के लिए बड़ा उमंग उत्साह होता है। कुमार कुमारी जीवन में अगर मेरे ब्राह्मण जीवन का आधार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सेवा है, तो मान के चलिए माया बहुत अच्छी रीति से आपको पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब तक ज्ञान और योग का फाउंडेशन, धारणाओं का फाउंडेशन नहीं है, सेवा में संस्कारों की खींचातानी, ऊपर नीचे की बातें, एक दूसरे के गुण अवगुण, वो सब बहुत जल्दी स्पष्ट नजर आता। आपको गिरीश भाई का एक अवगुण नहीं दिखेगा 1 बजे तक। आप मेरे साथ 1 महीना रहिए, मेरे साथ कमरे में रहिए, साथ में खाना बनाइए, चलिए ट्रैवल करिए, पता है कितना भाषण करते, असलियत तब दिखती है। चलो बाबा को याद करें, 10:30 का ट्रैफिक कंट्रोल। कुमार कुमारियों को बाबा का ये यज्ञ पसंद होने का आधार अगर सेवा है, तो विघ्न और माया का प्रभाव बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जब हम कुमार या कुमारी होते हैं तो हमारे पास बहुत फ्री टाइम होता है, घर परिवार भी है, माता पिता भी है, भाई बहनें भी हैं, मित्र यार दोस्त संबंधी भी हैं, और मान लीजिए मेरे जीवन में ब्रह्मा कुमारी संस्था भी है, मैं आता हूँ थोड़ा संबंध संपर्क में, ठीक है। आप नए नए आए, आप कॉलेज में भी पढ़ते हैं या नौकरी भी करते हैं, वहाँ आपका एक फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, घर परिवार संबंधी वहाँ का भी एक ग्रुप है, वहाँ पे भी आपके उम्र के होंगे कज़िन ब्रदर कज़िन सिस्टर्स, और आप ओम शांति में, आपका सोशल ग्रुप भी होगा स्कूल के कॉलेज के फ्रेंड्स, ठीक है ना, उनके साथ भी आप कनेक्शन में है मोबाइल और उसमें। और एक और जगह है जहाँ आप अब आना शुरू किए हो, वो भी आपका एक सोशल ग्रुप है और वो है ओम शांति। घर परिवार कॉलेज ऑफिस आपके मित्र सोशल ग्रुप और ब्रह्मा कुमारी, 4 हो गया। मान लीजिए गिरीश भाई चारों में जाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, ठीक है। जिन कुमार कुमारियों को ये सब चीजों से बाकी तीनों से थोड़ा सा प्रभाव कम होता है और वो ओम शांति के प्रभाव में आते हैं, अगर वो प्रभाव का आधार अगर ये है कि मुझे ओम शांति अच्छी लगती है, और क्यों ओम शांति अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ के निमित्त दीदी दादियों बड़ों का जो पालना है, जो प्यार है, वो बड़ा निस्वार्थ है, अनकंडीशनल। कितना मुझे ध्यान दे,
घर में मम्मी बोलती खाना खा ले, और यहाँ की दीदी नहीं नहीं टोली लेके जाओ, सुबह से कुछ नहीं खाया है और खा के जाओ, और घर का खाना नॉर्मल दाल चावल और यहाँ का टोली भी। ये जो हमें प्राप्त हो रहा है, आत्मा को प्राप्त हो रहा है, वो स्नेह, ठीक है। तो अब जहां भी स्नेह मनुष्य को प्राप्त होगा, झुकाव तो वहीं होगा, ठीक है। अब हम वो दीदी के कहने पे कुछ भी करने के लिए तैयार। पहुंचे नहीं सेंटर मुरली क्लास के लिए, दीदी ने कहा भाई जी आज मेहमान आने वाले हैं, जरा दूध लेके आए। अब दीदी बोलो मुरली मिस, सीधे सेवा 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 और सेवा। और जब हम थोड़े लंबे समय पर चलते हैं, ज्ञान योग और धारणा में मेरी उतनी पकड़ नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आई विल कॉम्प्रोमाइज ज्ञान योग ओवर सेवा। अगर मुझे मुरली और सेवा, और ऐसा देखा भी गया है कि बड़े भी हमको कहते हैं मुरली बाद में पढ़ लेना, पहले सेवा, वो भी एक प्रकार की सूक्ष्म माया। ऐसा नहीं कि आप ना करो, लेकिन हमको मुरली और ज्ञान सॉरी योग और धारणा, उसमें अगर मैं ढीला हूं तो लंबे समय तक अमर भव का वरदान कि मैं बाबा का सदा बन के रहा, उसमें बहुत प्रॉब्लम आए। छोटी छोटी बातों में हम उलझते ही रहेंगे, वो जो खुशी जो प्रत्यक्ष फल है, फिर दिल खाएगा कि कहाँ खुश हैं, इससे अच्छा तो दुनिया वाले भी खुश, उनको तो कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, खाओ पियो एंजॉय करो मस्त रहते, यहाँ तो हम खा भी नहीं रहे, घूम भी नहीं रहे, खुशी भी नहीं हो रही, मतलब फंसे हुए फील होता है, फिर अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती है। आपको बताऊं क्यों, 1998 में गिरीश भाई को, मेरे को कांदिवली से ज्ञान मिला और मैं फिर न्यू बॉम्बे में आए, क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब स्वामी भाई वहीं पे नौकरी करते, तो मैं उनके साथ ही रहता था। और उस समय का नियम था कि आप क्लास में एंटर करते समय रजिस्टर होता था, कुमारों की लिस्ट अलग, कुमारियों की लिस्ट अलग, माताओं आपको अटेंडेंस देना पड़ता था, आज तो पता नहीं अटेंडेंस होता नहीं, और आपको लेटर पी अटेंडेंस डालना पड़ता था कि भाई आ गए, और फिर दीदी 30 दिन के बाद बोलेगी इधर आओ गिरीश भाई, 5 दिन एबसेंट जवाब देना पड़ता था। वो जवाब ना देने के कारण वो लेटर पी, जैसे कि स्कूल में होता ना भागो अटेंडेंस, एक जो प्रॉपर स्कूल जैसा होता था ना वैसा होता था। अभी तो बहुत हल्के हो गए हम लोग, लॉकडाउन के बाद तो डबल हल्के हो गए। दीदी घर में सुन लिया 4 बार, आशा दीदी का 1, उषा बहन का 2, मुरली सुनना माना विधि प्रमाण सेवा केंद्र में संगठित रूप से सुबह निमित्त के द्वारा सुनना, वो है मुरली सुनना, और हमारा सुनना तो फिर ऐसे है। एनीवे, तो जब हम फिर वो क्रोध वर्ष मुक्त था, हर वर्ष एक एक वो था, उसका अलग से एक चार्ट होता था, लिखना पड़ता था क्रोध किया परसेंटेज में लिखो, और जब मैं लिख रहा हूँ तो मैंने स्वामी भाई का भी देखा, इन्होंने 10% ही किया, अरे बाबा मेरा तो 40% है, कम से वैसे ही हालत खराब होता। और कुछ ऐसे भाई होते थे 0% गुस्सा बिल्कुल नहीं किया और मेरा 40। अब दीदी तो पूछेंगे क्या कर रहे हैं गिरीश भाई, यही है बस वाइट ड्रेस पहनो, मैं बाबा का बाबा मेरा, और धारणा में ये हालत। बड़ा स्ट्रिक्ट होता था उस समय का। तो अब चार्ट ऐसा नहीं खुद चार्ट भरो लास्ट में महीने के अंत में दीदी को धीरे से दे दो, हर दिन का दिख रहा है यहाँ चार्ट, और सबके सबको सबका दिख रहा है, उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती। अगर मेरा और सिर्फ दीदी का ही दिखना देखना होता तो फिर भी ठीक है, ये तो पूरी 40 कुमार देख रहे हैं, 40% गुस्सा, उससे तो अच्छा मैं। हमारी कमी कमजोरी जो सबको दिखती है ना तो बड़ा दुख होता है, हाँ या ना, एंड इट रिक्वायर्स गट्स। तो हमारे चार्ट में 33 कुमार थे, 33 कुमार, और मेरा नंबर 34th, क्योंकि मैं नया कुमार था, रजिस्टर में नाम लिखा गया गिरीश भाई 34th कुमार,
और आज की बात नहीं बताता हूँ, आज से करीब 10 साल पहले की बात बताता हूँ। आज तो बहुत ज़्यादा समय हो गया, 10 साल पहले की बात बताता हूँ। वो 33 कुमार में 3 कुमार जीवित, बाकी सब के सब अभी से ही लक्ष्मी नारायण। हम भविष्य में बनने की इतनी घिस घिस कर बन रहे हैं और ये भाई लोग अभी। और ये पता कैसे थे, ये ऐसे थे, इनको देखकर हमें लगता था अयो मैं बहुत लेट आया, हाय मेरा तो अमृत वेला ही ठीक नहीं। उनको देखकर हमें लगता था हम पीछे रह गए। और क्या सेवा, वो मधुबन जाकर एक एक महीना सेवा करके, शांतिवन में सेवा करके अपना अनुभव सुनाते थे ना, तो हम ऐसे ही देखते थे, मुझे तो कोई अनुभव ही नहीं हो रहा अभी तक। ऐसे बाबा ने ऐसे किया, बाबा मैं सूक्ष्म वतन गया, परम धाम में बाबा ने मेरे को ये दिखाया, ऐसे किरणें आई फिर ऐसे गई। हमने कहा यार हमें तो कोई किरण आई भी नहीं गई भी नहीं, और बाबा ऐसे मुझे उठा दिया। यार कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ, सीरियसली गड़बड़ है। एंड मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, माया और उसका आधार योग धारणा। योग और धारणा मतलब ज्ञान ऑटोमेटिकली होना चाहिए, फिर तो तभी तो योग धारणा करेगा ना, उसको पता है क्या समय चल रहा है, मैं कौन हूँ, क्या करना है। धारणा है मतलब योग है, ज्ञान ऑटोमेटिक है। दो सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, विशेष कुमार वैसे तो सबको होना चाहिए, क्योंकि हम फ्री हैं, क्योंकि हमको शक्ति है, क्योंकि हमारा मन फ्रेश है, क्योंकि हम कहीं एंगेज नहीं है, क्योंकि हमको कोई जिम्मेवारी नहीं है, इसीलिए फिर हमारे निमित्त जो है हमसे कहते हैं ये भी सेवा करो ये भी सेवा करो। हिम्मत भी है ना, शारीरिक बल भी है ना, लेकिन अगर सिर्फ सेवा ही हमारे ब्राह्मण जीवन का मैक्सिमम टाइम कंज्यूम कर रहा है, और अगर धारणा और योग में मेरे को टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, अनुभूतियाँ नहीं है, उसमें मैं अपने आप को बहुत सूक्ष्म में चेकिंग नहीं करता हूँ, तो आगे चल कर के सेवाओं में ही विघ्न आते हैं। हमारे पास एक ऐसा कुमार था जिसने दीदी को लेटर, और दीदी इतने उमंग उत्साह से हमको लेटर दिखाया, पता है उसने अपने खून से लिखा। वैसे तो हमारे यज्ञ में से नहीं करते हैं, होगा कोई पुराना मुरली उसने सुना होगा, वहाँ किसी ने खून से प्रतिज्ञा पत्र लिखा, इसको भी नशा चढ़ गया। वो भाई नहीं है आज, और उनको देखकर हमें लगता था क्या इनका उमंग उत्साह है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ब्राह्मण जीवन में योग का, अमृत वेले का और धारणाओं का, धारणा मतलब ही आपके व्यवहार में वो सब झलके, आपके इंटरेक्शन में, आपके कर्म में, आपके संस्कार में वो एलिमेंट आना चाहिए, शांति का, सुख का, आनंद का, प्रेम का। तो कुमार कुमारी जीवन वैसे तो बहुत भाग्यशाली जीवन, क्योंकि हमारे में कॉम्प्लेक्सिटी अभी आया ही नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रीति से अगर मेरा सर्व संबंध बाबा के साथ नहीं है, और इसीलिए बाबा ने मुरली में कहा हिम्मत का पहला कदम, हिम्मत का पहला कदम बाबा के बने, और हिम्मत का पहला कदम माना संपूर्ण समर्पणता। इसीलिए ब्रह्मा बाबा आदि से पद्मा पदम भाग्य का अनुभूति करता था, क्योंकि उसने एक झटके में सब कुछ स्वाहा किया, सोचा नहीं, डे वन से ही उनको नशा चढ़ गया कि मैं ही नारायण बनने वाला, धन स्वाहा, सोचा ही नहीं कि क्या होगा, समर्पणता माना क्या करूं कैसे करूं क्या होगा क्या नहीं होगा। एक धक से तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, जन भी दिया, एक एक धक से। बाबा ने कहा इसी में हिम्मत। अभी हम सब है ना सोचते हैं आगे के लिए, ऐसा करें वैसा करें क्या होगा। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी तो आप जानते ही हैं, ब्रह्मा जब बेगरी पाठ हुआ 350 भाई बहने,
एक बजे बेल बजता था, 11 बजे भंडारी में जो है सेवाधारी वो आकर ब्रह्मा बाबा को कहते बाबा आटा नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में कहता इसने कभी नहीं सोचा मैं क्या करूं, अगर खाना नहीं मिलेगा तो ये 350 का क्या होगा। बेफिक्र बादशाह था, चेहरे पे फिक्र की लकीर नहीं थी, किसका यज्ञ है, किसके बच्चे हैं, मैं किसका हूं वो जाने, मैंने तो समर्पण किया उसकी जिम्मेवारी है। तो क्या मुझे अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन है? और अगर है तो समर्पणता नहीं है। सेंटर में ना बहुत प्रॉब्लम है, उससे तो अच्छा है नौकरी करो, घर में रहो, जो दीदी सेवा बोलेंगे वो करते रहो। तो ये संपूर्ण समर्पणता है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, किसका डर है? भगवान मेरे को सतयुग की बादशाही देने के लिए आया है, उसकी श्रीमत उसके आज्ञा पर मुझे डाउट है, ऐसा पता नहीं क्या होगा। फॉलो तो कर रहा हूं ब्राह्मण जीवन, पवित्र जीवन, अब बस एक छोटे से एलिमेंट में ही प्रॉब्लम है। हम संबंध संपर्क में जब सेंटर के निमित्त टीचर्स बहनों जो भी होंगे हमारे साथी बड़े छोटे जो भी होंगे उनके साथ एडजस्ट, ये एडजस्टमेंट संगम योग में इतने छोटे समय के चक्कर में मैं इतना बड़ा भाग्य को लकीर लगा रहा हूं, सोचने वाली बात। और अगर मैं निर्बंधन हूं तो क्या करना है? अच्छा एक चीज पूछता हूं, घर में लौकिक घर में या ऑफिस में सब बहुत अच्छे हैं, वहां कोई आपको गाली नहीं देता, वहां कोई आपको इंसल्ट नहीं करता, वहां कोई आपको जबरदस्ती छुट्टी नहीं देता है, ऐसे सब है या नहीं है? होता तो होगा ना, गिरीश भाई ने भी नौकरी की है, वहां तो और प्रॉब्लम है और वहां तो कोई बाबा भी नहीं है। यहां तो चलो मेरा दीदी के साथ ऊपर नीचे हो गया, चलो कल की मुरली में मीठे बच्चे, आ हा हा, अरे कोई तो है जो मेरे को समझ रहा है, ये नहीं समझ पा रहे छोड़ो, मैं क्यों भाग्य छोड़ू अपना, बस इतना सा कि कल क्या होगा मेरा क्या होगा। अगर मैं एडजस्ट नहीं कर पाया, मेरा यहां ठीक नहीं हुआ, अब ये तो आपके हाथ में है ना, अब नहीं एडजस्ट कर सकते। हिम्मत का दूसरा कदम गैस, पहला कदम समर्पणता, संपूर्ण स्वाहा, एक सेकंड में बाबा ने अपने तन को दिया, और तन को देना मतलब फिर कभी देह भान में नहीं आया बाबा, कभी भी नहीं आया। 1986 की 18 जनवरी की मुरली में बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सर्टिफाई किया कि जिस दिन समर्पण हुआ आज तक उसने कभी नहीं कहा मेरा मत, मैं ये सोचता हूं, हमेशा बाबा ने कहा, बाबा क्या चाहता है, बाबा कराए, बाबा का यज्ञ, कभी खुद नहीं कहा मैं, बड़ी दादी कभी मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करते। तो जब मैं हूं ही नहीं तो कौन सा डर, किसका डर? गिरीश भाई अपने भाषण में कहता कल की डेट में मुझे कैंसर भी होगा ना तो भी मस्त मरूंगा, ऐसे रॉयल मरूंगा जो जिंदगी में कोई नहीं मरा होगा, मुझे देखकर बोलना चाहिए कि इसके जैसे मरना है तो इसके जैसे मरना, मरना तो है लेकिन डर के, परेशान हो के, दुखी हो के, मैंने इतनी सेवा की मुझे क्यों कैंसर, मुझे अब कोई पूछ नहीं रहा, ये भी मुझे पता है। वो ध्यान इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है हमको, इसीलिए वो धारणा और ज्ञान योग है ना, हम इतने सेवा कॉन्शियस हैं। देह का कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस छोड़ो, अभी हम सेवाधारी कॉन्शियस, वो और भी बड़ी माया है। मैं भाषण करने वाला, बताऊं भाषण करने वाले का क्या हाल है? मैं और शनमुगा भाई वो होटल में जा रहे थे प्रोग्राम करने, वो गाड़ी चला रहे थे, मैं बैठा था, तो सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया हमको, तो शनमुगा भाई ने विंडो नीचे करके सिक्योरिटी गार्ड को कहा स्पीकर है, तो वो कहता दो स्पीकर ऑलरेडी लेके जा चुके अब ये तो हाल है स्पीकर का, ठीक है
वो बेचारे को क्या पता कौन सा स्पीकर ठीक, उसने लगा साउंड बॉक्स वाला दो स्पीकर, बोला नहीं भाई सब पहले दो लेके चेक, उन्होंने कहा ये भी है, बोला जाओ ये भी तीसरा स्पीकर। सेवा कॉन्शियस भी सूक्ष्म में माया है, पता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि मैं आत्मा नहीं हूं, दुनिया में मैनेजर था, दुनिया में ये था वो था, छोड़ा और यहां आकर अब मैं स्पीकर, अरे स्पीकर बनने के लिए यहां आए क्या? इसीलिए कुमारियां पूछती बर्तन धोने के लिए आए क्या, या झाड़ू पोछा करो शादी, वहां बोलना पति को झाड़ू पोछा लगाने के लिए आई हूं क्या, वहां भी वो कहते हैं ऐसे ही। लेकिन यहां किसके लिए कर रहे हो? हां वहां तो देहधारी के लिए करो, यहां तो हम अपने भाग्य के लिए कर रहे, मेरे लिए करो। तो सेवा कॉन्शियस भी नहीं होना चाहिए, तभी सफलता है, तभी हल्कापन है, तभी अथकपना है, तभी लाइट है, तभी हर चीज स्पष्ट है। तो गिरीश भाई मन ही मन सोचता है, मान लीजिए कल की डेट में फॉर किसी कारणवश गिरीश भाई का गले से आवाज ही ना निकली, मान लीजिए गाड़ी चला रहा हूं एक्सीडेंट हुआ, हड्डी हड्डी ठीक है, गले में चोट लगी और आवाज गया, मान लीजिए। और अगर इस 25 साल में गिरीश भाई इज इक्वल टू स्पीकर, आप बताइए क्या हाल होगा? जब आप मैं आत्मा शांत सुख आनंद छोड़कर मैं सेवा स्पीकर स्पीकर, और गलती से ये स्पीकर वाली सेवा कहीं ऊपर नीचे हो गई, गारंटी बताता हूं डिप्रेशन में जाएगा ये भाई। अब तो मेरा योग लगेगा नहीं, क्योंकि योग आज तक लगाया नहीं ठीक से, विधि प्रमाण जिससे मन एकदम बाबा मय हो जाए, शक्ति स्वरूप बन जाए, वो तो किया ही नहीं, क्योंकि हमेशा वो सेवा ही सेवा सेवा था। तो सेवा करना है हम ही, आपको ही करना है, माताएं थोड़ी ना करेंगी, माताएं 2 घंटा करेंगे, बोलेंगी दीदी जाना है घर को खाना बनाना है, लेकिन माताएं ज़्यादा करती हैं आजकल, उनको ज़्यादा भाग्य है, वो इधर भी संभालती उधर भी संभालती अच्छी रीति से, क्योंकि उनको पता है लेट आए टाइम कम है, सफल करो। तो क्या आपकी जो विशेषता है जो सेवा में लगा रहे हैं उसमें कहीं ऊपर नीचे हुआ? और पता है कई लोग क्या कहते हैं, गिरीश भाई हम क्या सेवा करेंगे वहां, पहले ये बताइए। कल एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं उनको समझा रहा था कि आप मेंटल प्रैक्टिस करो, इमेजेस क्रिएट करो, विजुअलाइजेशन करो, तो चांसेस है जो आप परीक्षा लिखने वाले वो से क्लियर हो जाएगा। सब सुनने के बाद वो भाई लास्ट में जाते जाते मुझसे कहता है गारंटी है क्या? इसका मतलब विश्वास ही नहीं है ये मेंटल इमेजरी। मैंने कहा आधार ये नहीं होना चाहिए कि उससे लक्ष्य की प्राप्ति हो, ना आधार ये होना चाहिए आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई करते वक्त शांति खुशी, वो तो हमने अनुभव ही नहीं किया ना। मैंने कहा हमारी चर्चा हुई थी रिजल्ट ओरिएंटेड और प्रोसेस ओरिएंटेड, मैंने कहा आप पढ़ रहे हो मेंटल इमेजरी कर रहे हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म में आपको लक्ष्य ओरिएंटेड होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, जो कर रहा हूं इससे फायदा होगा कि नहीं होगा। गिरीश भाई ने तो कहा लेकिन पता नहीं होगा, आप पढ़ाई कर रहे हो मेडिटेशन कर रहे हो लेकिन मन कहीं ना कहीं वहीं फंसा हुआ है, यू आर नॉट एंजॉइंग मेंटल इमेजरी, यू आर नॉट एंजॉइंग योग, एंजॉय तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, तपस्या मास तपस्या वर्ष का प्रत्यक्ष फल ही है खुशी। और तपस्या का डेफिनेशन बाबा ने कितना सहज बताया, ऐसे बाप कहीं नहीं मिलेगा। तपस्या माना डांस करो, क्या बात है, अरे गीत गाओ। तपस्या माना ही मैं तेरा तू मेरा खत्म, सारी दुनिया ओम शांति, हमको कुछ लेना ही देना नहीं है, मैं डिसाइड करूंगा भाई मेरा जीवन, और मुझे देख करके दुनिया वाले कहने चाहिए इनके जैसे ब्रह्मा कुमारी बनो। इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप आपके जीवन में स्वभाव संस्कार टकराव, मेरी इच्छा वाली सेवा मुझे नहीं दिया जाएगा, सब होगा। हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता, पहला तो समर्पण किया, अब मैं आपकी, अब मैं आपका होने के बाद अब आया विघ्न, आई समस्या है उसमें सहनशील,
जितना ज्यादा सहनशीलता उतनी ज्यादा संतुष्टता, उतनी ज्यादा प्रसन्नता, उतनी ज्यादा खुशी। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना मेरी इच्छाओं की कुछ चाहिए मेरे को। मैं तो बहुत खुश हूं, सुबह अमृत वेला भर लेता हूं जो चाहिए, आपसे तो कुछ चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए इंसानों से? कि वो आपको प्यार करें, आपको समझे। बाबा ने मुरली में कहा था, आपको कहीं भी किसी भी दूसरे व्यक्ति से कुछ समस्या है, आप दीदी को बोलो, दादी को बोलो, दादी आपको सुनेगी, समझेगी। लंबा लंबा पत्र नहीं लिखो, चार चार पेज वाला, दो लाइन में बताओ आपकी कंप्लेंट क्या है और बाबा आपको सेट करेगा। इतनी है ना मेरे को इनसे सरने में, हो सकता है कर्मों का हिसाब किताब है कहीं, लेकिन भाग्य को तो नहीं छोड़ो, यहाँ नहीं एडजस्ट हो पाए। हमारे साथ भी होता है, हमारा किसी के साथ नहीं होता है कभी कभी, जरूरी नहीं उसमें मेरी गलती, हो सकता सामने वाले की पूरी कमी कमजोरी हो, अब मैं नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ, इट्स ओके। लेकिन बाबा का हाथ छोड़ना और इतना श्रेष्ठ भाग्य, तो क्या करना है? बहुत सिंपल है, मेरा सर्व संबंध, सर्व सुख का आधार बाबा होना चाहिए। सेवा, खाना पीना, व्यक्ति, दीदी दादी, ये केंद्र, ये सेवा, वो बहुत रॉयल माया है। आपको सब सेवा करनी है, अच्छी तरह करना है, सभी के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत सुमधुर, बड़ों के साथ भी, छोटों के साथ भी, समान लोगों के साथ भी, सबके साथ एकदम इजी, तभी तो ऑलराउंडर बनेंगे। ब्रह्मा बाबा बच्चों के साथ भी मस्त रहते थे, ब्रह्मा बाबा बूढ़ों के साथ भी, माताओं के साथ, और पता है सब क्या कहते थे? बाबा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। छोटा बच्चा बोलता, नहीं नहीं मेरे साथ करता है, देखो बाबा ने मेरे को ये दिया, फ्रॉक दिया। छोटी छोटी कन्याएं जब होती ना, आज जो दीदियां बन गए हैं, छोटे छोटे थे, सबको ये लगता था कि इनके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं और कोई इंपॉर्टेंट नहीं। मैं गया, कोई दूसरा आया, उसको ये लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम दे सकते हैं? देना ही है ना, क्या देना है? हमारी विशेषताएं, हमारा गुण, हमारा स्नेह, हमारे शुद्ध वाइब्रेशन, यही तो ब्राह्मण जीवन की। और क्या दे सकते बताओ, हमारे हाथ में है क्या देने के लिए? और तो कुछ है नहीं, और यही हमारे कर्म में स्पष्ट झलकना चाहिए, तो बाबा को फिर बहुत खुशी होती है। पांच चीजें। नंबर वन, श्रेष्ठ संबंध उसके साथ। नंबर टू, श्रेष्ठ संपर्क उसके साथ। संबंध संपर्क में क्या अंतर है? संबंध और संपर्क में क्या अंतर है? बोलते हैं ना ये घर वाले वारिस और ये संबंध संपर्क, संबंध और संपर्क। बाबा ने कहा श्रेष्ठ संबंध भी मेरे साथ, श्रेष्ठ संपर्क भी मेरे साथ। क्या है संबंध और संपर्क? रिलेशनशिप और कनेक्शन। वेरी करेक्ट, स्मार्ट है ये बच्ची। और बताओ, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट, क्या बात है, ये भी करेक्ट। चलिए, पांच चीजें। पहला, बाबा के साथ श्रेष्ठ संबंध, बाबा के साथ श्रेष्ठ संपर्क। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है सच्चा स्नेह बाबा के साथ। चौथा और पांचवा, अविनाशी, सर्व प्रकार की प्राप्ति और सर्व प्रकार की सफलता। अगर ये पांचों चीज मैं अनुभव कर सकता हूं अपने जीवन में, बाबा ने मन समर्पित किया, ब्रह्मा बाबा ने तन तो दिया कि भाई तुम करो, मेरे शरीर का यूज कर लो, तुम्हारा ही देह है, मेरा नहीं है। जब मन को समर्पण किया, संपूर्ण समर्पणता मन से, अर्थात मन का हर संकल्प सिद्धि स्वरूप
के आधार पर सर्व प्राप्ति है। जो मेरा संकल्प ही मैंने बाबा को समर्पण कर दिया, उसमें उठने वाला हर संकल्प आपको प्राप्ति का अनुभव कराएगा, व्यर्थ जा ही नहीं सकता, कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने समर्पण कर दिया। समर्पण नहीं किया तो क्या मैं ऐसे करूं कि वैसे करूं? बाबा ने मुरली में तो ऐसे कहा, दीदी तो वैसे बोल रही, गिरीश भाई तो ऐसे बोल रही, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा, मैं क्या करूं? अब ये आप अपना मन लगा रहे हो, तो रिजल्ट ये होना चाहिए, अगर मेरा मन समर्पण है एक्चुअली में, तो हर संकल्प का जो आधार होगा ना, वो सिद्धि स्वरूप ही होगा, वही होगा, होने वाला होगा, वही आपको टच करेगा। आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आपको बार बार टच करेगा, क्योंकि उसी से सिद्धि मिलने वाली है, क्योंकि आपने मन भी समर्पण कर दिया। उस डिसीशन के बाद आपके जीवन में कॉम्प्लिकेशन या विघ्न आ ही नहीं सकते। फिर आपको पीछे मुड़ के, अरे वो मैंने निर्णय ऐसे लिया था, ऐसे करती थी तो आज ऐसे नहीं होता, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि सिद्धि स्वरूप हो, मन में और कोई विचार आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो कितने संबंध है बाबा के साथ आपका? हाँ वो मुझे भी बताया, सर्व संबंध गिनती में बताओ, और सिर्फ बताना नहीं है, उसके करस्पॉन्डिंग शक्ति अनुभूति। आज बाबा ने पता है बहुत ब्यूटीफुल बात कही है कि बच्चे आपको सिंपथी रखना है, सिंपथी यूज वर्ड किया था, सब दुखी है, और योगी सहयोगी और प्रयोगी माना ही सर्व गुण, सब खुद के लिए सिर्फ नहीं दूसरों के लिए यूज करो। आप प्रयोगी आत्मा है, माना आप थोड़े में ही ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हो, बचत कम में ज्यादा। ठीक है, तो आठ संबंध बताता हूं, विशेष गायन आठ का ही है। ठीक है, सबसे पहला मात पिता, ऐसे ही है ना, शिव बाबा के साथ कौन सा संबंध है? मात पिता। फिर बच्चा सीधे, भाई बहन, शिव बाबा बहन, हाँ अच्छा, मात पिता टीचर गुरु, चार हो गए। अच्छा चलो एक एक करते हैं, नोटबुक पेन है ना आपके पास? ओके, माता है शिव बाबा, ठीक है, और अगर मुझे, हम सबका लक्ष्य है कि मुझे क्या बनना है, बाप समान, तो शिव बाबा के साथ मेरे माता का साथ संबंध है, उसका तात्पर्य ये है कि मैं जगत माता बनूं, बाबा सर्व की माता, और मुझसे किसी को माता की फीलिंग ना आए, तभी तो प्रयोग है ना। आपसे सबको भासना आनी चाहिए कि ये माता समान है शरीर भाई का। तो माता के साथ जनरली लौकिक में भी अगर आप देखो, माता के साथ स्नेह और पालना की फीलिंग आती है, ठीक है, और विशेष माता का एक गुण होता है, ठीक है ना, विशेष एक माता के पास शक्ति होती है, लौकिक में माताओं के पास शक्ति होती, शिव बाबा माँ के पास भी शक्ति है, और वो शक्ति मेरे में भी आनी चाहिए। कौन सी शक्ति? हाँ जी जोर से बोले ना, करेक्ट, सहन शक्ति। आप कितना भी बड़ी भूल की हो, सब आपको डांट सकते हैं, लेकिन माँ सहन कर ले, कोई बात नहीं, बेचारा है, गलती हो गई, सहन कर। तो अगर मैं जगत माता, तो मेरे अंदर एक शक्ति होनी चाहिए, कौन सी शक्ति? सहन शक्ति, ठीक है। अच्छा, अब सहन शक्ति है मेरे में, तो एक गुण का दान करना है, बाबा ने आज दान शब्द का, जमा होगा तो दान कर पाएंगे, कौन सा दान? मां में कौन सी विशेषता है? स्नेह। अच्छा, और अभी जो, हाँ सहन, तो आपने गलती की, मैं आप माता, जगत माता, और मैंने सहन किया, तो क्या दान दे रहा हूं मैं आपको? क्षमा दान, क्षमा कर दो ना,
क्षमा वही कर सकता है जिसमें सहन करने की ताकत। और आपके गलती से मुझे गुस्सा आ रहा है कि गलती क्यों की, कितने बार समझाया, आपको समझ में नहीं आता, हो गया फिर दान, महादान, वरदान, ये सब भी दान ही है। कौन सा दान देना है? क्षमादान। एक मिनट बैठ के देखिए, है मेरे अंदर माँ के गुण, बाबा में कितने गुण, ब्रह्मा बाबा में ऐसे गुण थे, बाबा के पास कोई भी जाता था बड़ी से बड़ी गलती करता था, बाबा क्षमाशील था, बच्चे के भविष्य रूप देखता था, अभी की वर्तमान गलती नहीं देखता था। तो चेक करो, आज से मैं जगत माता अर्थात व्यवहार में, कर्म में, सेवा में, जाने अनजाने, सेवा साथी, ब्राह्मण परिवार, स्टूडेंट्स, जिज्ञासु, अज्ञानी, बाहर वाले, घर वाले, परिवार वाले, कुछ भी ऊपर नीचे करें, मैं क्षमादान देने वाली, मेरे अंदर सहन शक्ति भरपूर मात्रा में, देखा सुना समझा क्षमा किया, सहन करने की ताकत सबसे ज्यादा माँ में होती है, क्योंकि माँ के अंदर निस्वार्थ स्नेह, निस्वार्थ प्यार। और मेरे जीवन में तो और कोई है भी नहीं एक बाबा को छोड़कर, बाबा माता स्नेह का रिटर्न, बाप समान, मैं भी जगत माता। कौन सा गुण और कौन सी शक्ति, बहुत स्पष्ट, बहुत अटेंशन से सारा दिन मुझे चेक करना है। चलिए दूसरा संबंध, दूसरा संबंध कौन सा? पिता का। पहले पिता का हैंडल कर लेते, इनको शिक्षक ज्यादा पसंद है, ठीक है। अच्छा, पिता में क्या गुण होते हैं बताइए? वो भी पालना देते, उनमें भी स्नेह होता है, लेकिन उनमें एक विशेष स्नेह पालना का एक गुण होता है, गेस। हाँ जी, स्ट्रेंथ होता है। अच्छा, पिता पिता। और एक बताता हूँ, ये जितनी बच्चियाँ होती हैं ना घर में, कन्याएं, उनका पिता के साथ बड़ा क्लोज होता है, और ये पुत्रों का माँ के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। काम निकलवाना होगा ना तो बेटी जो ना सीधे पापा को पास जाएगी, माँ के पास नहीं जाएगी, पापा आप बोलो ना मम्मी को। और सबसे अच्छी बात, पापा सुन भी लेते, और इधर ये लड़का मम्मी को जाके बोलेगा तो मम्मी मान भी जाती है, और अगर इसने जाकर अगर पापा को बोला पापा मेरे को पिकनिक जाना, जाऊं इधर लगाऊंगा दो खींच के, पढ़ाई कर, आपने अनुभव किया है? बाप जो होता है ना बेटियों को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और मम्मी लोग बेटे को ही प्रोटेक्ट करते रहते हैं। अच्छा बताइए, पिता चिंतन करें, पिता पिता में माँ भी पालना देती है, स्नेह करती है, पिता भी स्नेह और पालना ही देता है अल्टीमेटली, बट एक चीज उसमें विशेष अंतर है। नहीं नहीं, पिता और बच्चा उन दोनों के बगल। अच्छा, पापा कंप्लेन नहीं करता किसी का बच्चों को कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। अच्छा, वो भी ठीक है। और जोर से बोलो, सपोर्ट, आ क्लोज, वर्षा मिलता है। ये तो अल्टीमेट है भैया। हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ वो, हाँ ये सही है, गुड। पता है पिता में बच्चे के लिए क्या होता है? पापा, वो सब करेक्ट है, कंफर्ट प्रोवाइड करता है, पापा है ना संभाल लेंगे। जिन घरों में पापा नहीं होता है और बच्चा होता है, उसको बड़ी चिंता होती है, मैं किसको सुनाऊं, हो गया मुझसे प्रॉब्लम, ऐसी समस्या है,
तो वो माँ को सुनाने से ज्यादा कंफर्टेबल पिता, पिता क्योंकि अथॉरिटी है ना, पापा के पास पूरा धन संपत्ति डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो उन्होंने अगर बोल दिया चिंता नहीं कर बाप बैठा है ना, मजा, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है भैया। और अगर मम्मी बोले ना चिंता नहीं कर मैं बैठी हूं, क्या आई मीन है क्या इनके पास जो मेरा प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो धन नहीं कमाती है, घर संभालती है ना, क्योंकि पापा के पास अथॉरिटी होती है ना। अगर अथॉरिटी वाले ने कह दिया चिंता नहीं कर मैं हूं, आप ट्रेन में जा रहे हैं आपका टिकट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आपका दूसरा पैसेंजर कहे चिंता नहीं करे मैं हूं और अगर आपकी पहचान कोई टीसी से है, उसने कह दिया है अरे मैं बैठा हूं, मैं टीसी हूं, मैं रेलवे का स्टाफ हूं, मैं हैंडल करूं, तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, क्योंकि भाई साहब के पास अधिकार है, वो उसी का है। बिना अधिकार वाले बोले मैं हूं तो हाँ ठीक है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ऐसे ही है ना। तो पिता के पास अधिकार की रीति से पिता का जो स्नेह और पालना होता है ना, वो कंफर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैं बाप समान, मैं जगत पिता, और जगत पिता अर्थात समाने की शक्ति, किसी की कमी कमजोरी को समा कर उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना। जब तक हम समा नहीं पाएंगे तब तक हम वो दान नहीं दे पाएंगे। कौन सा दान? माता के लिए कौन सा दान दिया, और पिता बनकर कौन सा दान देना है? गुणों का दान देना है। 63 जन्म हमने बहुत विकर्म किया, पप्पा आए नीचे, शिव बाबा आकर के क्या दिया, बच्चे आपकी गलती नहीं, वो ड्रामा है ना, अब मैं आया हूं ना, मैं बस मुझे याद करो, सब वर्षा प्राप्त हो जाए। और रिटर्न में बाबा ने क्या दिया उनको, बहुत गुण दिए। ठीक है, दो संबंध हो गए, बिना कॉपी देखे याद रहेगा पिता, और मैं कौन, जगत पिता। कौन सी शक्ति? समाने की। बच्चे का भी गलती समाएगा, पत्नी की भी संभालेगा, पूरे परिवार का, सबको संभालेगा, सबका प्रॉब्लम मैं ही संभालूं भैया, क्योंकि पिता हो। और आप और हम, ये बहन भी आके अपना सुनाए, ये भी, अरे मेरे को काहे को सुना रही है, सबका सुनकर समा करके पेशेंटली सबको समाधान करना। शिव बाबा भक्ति वालों को भी संभाल रहा है, सन्यासियों को संभाल रहा है, साइंस वालों को भी संभाल रहा है, पॉलिटिशियन को भी संभाल रहा है। सुबह 4 बजे आपके साथ भी अपॉइंटमेंट है, फिर तो आप लोग जब मर्जी बुला लेते हो, मुझे क्या क्या करूं। पिता माना सब कुछ करना है, धन भी कमाओ, सब्जी भी लेकर आओ, छोटू की तबीयत खराब तो उसको हॉस्पिटल भी लेकर जाओ, ऑफिस भी संभालो। और अगर मेरे समान पिता है तो गया, जब मैं ऐसे करता हूं ना गया, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही थे तो बड़ा आनंद आता है। जिम्मेवारी, सेवा की जिम्मेवारी, पिता हैं आप, दीदी ने आपको कोई सेवा के निमित्त बनाया, अच्छा बहन ये दोपहर का खाना पीना आप संभालना, पिता बनना है। और हाँ, खाना भी बना रहे, ऊपर से ये भी फोन आ गया, ऊपर से किसी ने कहा ये भी सेवा कर दो, वो भी सेवा कर दो, नहीं करेंगे, अरे दीदी ने मुझे कहा था अब वो आप करो। फिर कौन सा दान? टेंशन दान, इरिटेशन दान, प्रॉब्लम दान, दुख दान, तुमको दिख नहीं रहा कितना कर रही हूं, हा भैया रहने दो, करो करो, रो मत लेके, मैं कर लूंगा, टेंशन नहीं लो। कौन सा पिता? सारे विश्व का, प्रकृति का, कलयुग का परिवर्तन पिता, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कितना निश्चिंत रहता है, बस कहता है प्यार से, शांति से, पवित्रता से परिवर्तन। उसको उस पर कॉन्फिडेंस है, उसको ड्रामा पर कॉन्फिडेंस है, उसको आप पर कॉन्फिडेंस है। आप करो नहीं करो, कोई ना कोई तो करेगा, होना ही है, सत्युग आना ही है, पवित्र दुनिया आना ही है। पिता, पिता को कॉन्फिडेंस होता है, इसीलिए तो कंफर्ट, तो चिंता नहीं, मैं हूं ना, मैं देखूंगा,
उसको पता है कैसे करना है, कुछ तो करेगा लेकिन आपको रोने नहीं देगा, मैं हैंडल कर लूं, उसको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है। बस रोना बंद कर, जो मैं कहता हूं वैसा कर, बाकी मैं देख लूंगा, वो जिम्मेवारी। सो गुण, हिम्मत का गुण, सहन करने का गुण, प्लान करने का गुण, वो सब गुण था। ठीक है, दो संबंध हो गए। तीसरा, टीचर, माता पिता, अभी टीचर सदगुरु, दो संबंध को समझते हैं। ठीक है, तो अगर शिव बाबा टीचर और मुझे शिव बाबा बाप समान, तो मैं जगत शिक्षक, बाबा शिक्षक, मैं जगत का शिक्षक। ठीक है, अच्छा, टीचर क्या देता है आपको? हाँ, नॉलेज। तो मैं जगत का शिक्षक, मुझे भी नॉलेज देना है। अर्थात कौन सी शक्ति, नॉलेज से कौन सी शक्ति आएगी? क्या बात है, टू गुड। नॉलेज माना स्पष्टता, माना समझ, अर्थात एक शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वो है परखने का, क्या सही क्या गलत, क्या राइट क्या रॉन्ग, क्या आत्म उन्नति और क्या से आत्मा का गिरती कला, परखने की शक्ति। ठीक है, कौन सा गुण का दान? आ, किसने कहा? वाओ, ज्ञान दान। माता के रूप से कौन सा दान देना है सारी दुनिया को? क्षमा दान। पिता के रीति से गुण दान, और टीचर के रीति से? अच्छा, ज्ञान दान देना। ज्ञान दान माना दूसरी आत्मा को इतना सक्षम बनाए कि वो डिसाइड कर पाए, परख पाए क्या सही क्या गलत। ठीक है, ओके, शिक्षक भी हो गया। फिर सतगुरु, सतगुरु क्या करता है, क्या देता है आपको? वर्षा देता है सतगुरु? आपका पप्पा कल आपका गुरु बन जाए, बोला नहीं मैं तुम्हारा पिता नहीं। अच्छा, सदगति देता है सदगुरु, वरदान देता है सदगुरु। और बाप में विशेषता पता क्या है? अगर आपका पापा खुश तो वर्षा मिलेगा, और अगर सदगुरु खुश तो ब्लेसिंग्स मिलेगा, और ब्लेसिंग से चीजें बहुत आसान होती। और अगर आपका पप्पा खुश नहीं है तो बोला मेहनत कर देखूंगा फिर बताऊंगा वर्षा देना है कि नहीं देना, क्योंकि हो सकता है तो मेरा पूरा प्रॉपर्टी बर्बाद कर देगा, ये ले 5 लाख रुपए, इसको संभाल, इससे धन कमा, लायक बन, फिर आगे देता हूं। बहुत स्मार्ट पापा लोग होते हैं, ऐसे ही नहीं दे देते कुछ भी, वो सिखाना चाहते ना बच्चे को, लेकिन गुरु कुछ सिखाता नहीं है। सतगुरु खुश हो गया, रावण ने खुश कर दिया तो भी तथास्तु, आप कौन हो नहीं देखता है वो, अगर मैं खुश हो गया वरदान स्वाहा, और कितने वरदान हमको मिलता है, ब्लेसिंग्स दे देता है। ऐसे ही है ना, विष्णु पर कोई विष्णु को प्रसन्न कर दिया, उसने वरदान मांग लिया। शिव पर, रावण ने तो शिव से ही वरदान मांगा था, दिया उसको भी, असुर था, देवकुल का नहीं था, असुर से भी खुश हो जाता है, भोलानाथ कहते हैं। तो गुरु ये नहीं देखता है, वो आपकी तप को देखता है, आपकी श्रद्धा को देखता है, आपकी भावना को देखता है, तथास्तु। फिर आगे कितना तामझाम करना पड़ेगा, देवी को बनाओ, इसको बनाओ, वो अलग, खुश कर देता है। ठीक है, ब्लेसिंग्स। तो कौन सा दान देना है? अरे कितना सिंपल, वर का ही दान दे दो। ठीक है ना, क्षमा दान, गुण दान, ज्ञान दान, और आप लोग वरदान देते हो? कभी वरदान दिया किसी को? हमको तो पता ही नहीं था भाई हम भी दे सकते। बाप समान माना जगत गुरु, वो जगत का गुरु शंकराचार्य। शिव बाबा को जगत गुरु का टाइटल नहीं है, जगत का गुरु का टाइटल आपका है, जगत पिता आप बनते हो, जगत का कल्याण, जगत को वरदान देना, और अंत समय में ये होगा, लेकिन उसके लिए बहुत वरदानी स्वरूप बनना पड़ेगा।
गिरीश भाई किसी को टोली देता है और भोग, या कभी होता है सेंटर में होता है तो दीदी कहते आप ही दो, तो पता है गिरीश भाई क्या करता है? अनुभव बताता हूँ। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ठीक है, ब्रह्मा बाबा सामने माता जी आ रहे हैं, टोली देना है, ब्रह्मा बाबा का हाथ ये माता जी के सर पर, और मैं मास्टर ब्रह्मा, मैं मास्टर भगवान, बहुत प्योर वरदान। क्या वरदान? इनका विघ्न जीवन से हर जाए। मैं शुभ संकल्प कर रहा हूँ, नहीं, वरदान दीजिए। ऐसा नहीं कि बस बोल देना है और हो जाएगा, पता नहीं, उसमें आपकी स्थिति पे डिपेंड करती है, आप कितने शुद्ध हो, कितने निष्कामी हो, कितने निस्वार्थ हो, कितना सच्चाई है, तभी काम करेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे, बस ये आत्मा निर्विघ्न भव। एक बार वो करके तो देखिए, बनिए तो सही मास्टर जगतगुरु। पर ऐसा नहीं है कि कोई सामने आए दृष्टि दे तो ही वरदान देना है, आप वैसे भी कर सकते। हम सेंटर में कदम रखें और पूरे सेंटर को वरदान दे, मैं विशेष आत्मा मास्टर सत मास्टर जगत गुरु, ये हमारा सेवा केंद्र निर्विघ्न भव। और भगवान आपको वरदान देगा, सदगुरु आपको वरदान देगा आपको मास्टर जगत गुरु बनाने का, क्योंकि वो चाहता है कि आप बनो बाप समान। और अगर उसको लग रहा है कि बच्चा प्रयास कर रहा है वरदान देने का, बोलेगा चल बच्चे, कितनी खुशी होगी, बाप समान ही बनना है ना, बाप समान, टीचर समान, माता समान, गुरु समान, तब है ना, मैं कुमारी हूँ, मैं कुमार हूँ, ये सबसे आप एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाओगे, देखोगे ही नहीं इस लिमिटेशन में, आप में इतनी मैच्योर। मम्मा कुमारी थी, राधे से, ओम राधे से मम्मा बनी, और कहते हैं मम्मा का स्वरूप में माँ के गुण दिखते थे। और कोई कुमारी ने किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया, उसको माँ के क्वालिटीज कैसे नजर आएंगे? दो प्रकार से क्वालिटीज नजर आते हैं, एक तो शारीरिक तौर पर, एक सबकॉन्शियस लेवल पर। अगर आत्मा में मैं माँ हूं, मैं जगत माता हूं, वैसा ही आपका शरीर और आपकी बातें, आपके संकल्प सब माँ के ऑटोमेटिकली पालना शुरू कर देंगे। हमारे सेंटर पे ना एक भाई हैं, देव भाई, मैं तो उनको कहता हूँ आप तो मेरी माँ ही हैं। वो नाश्ता नहीं करेंगे, जब नाश्ता मुरली के बाद 8 बजे बना देंगे हम गार्डन में, मैं जाऊँगा, मुझे कॉलेज जाना, मैं भी खा के निकल जाऊँगा, स्वामी भाई भी खा के निकल जाएंगे, फिर और भी सेवाधारी आएंगे, वो खाते हैं 11:30 बजे। आपके घर में माताएं कब खाती हैं नाश्ता? अरे हम कहते देव भाई सब मिल के खाते हैं, हाँ खा रहा हूँ खा रहा हूँ, हम खा रहे, अच्छा गिरीश भाई चाय पियेंगे, मेरे लिए चाय, इनके लिए कॉफी, इनके लिए नींबू पानी, इनके जमाने भर का ही करते रहेंगे, है भाई, लेकिन सब माँ की क्वालिटीज करना पड़ेगा, कॉन्शियसली करना पड़ेगा। जितना हम करेंगे उतना नशा चढ़ेगा, उतना मजा आएगा संगम युग, ठीक है? कितने संबंध हो गए, कितनी शक्तियां हो गई, और 8 होने के बाद आपको बुलाऊंगा इधर बिना नोटबुक के, और यहां आकर बताना पड़ेगा गिरीश भाई हम जानते थे आपके भट्टी में, तो हमारा तो प्रश्न आप पूछेंगे ही पूछेंगे, बोलेंगे ना यहाँ पे, बहुत इजी है, ठीक है? 4 हो गए बचे, 4 और 4 संबंध बताइए, साजन और सजनी, मतलब कभी वो साजन कभी वो सजनी, साजन सजनी तो एक हुआ, ठीक है, वो साजन में सजनी, अच्छा और, हाँ जी, आशिक और माशुक, वो तो यही है भाई, साजन सजनी आशिक माशुक सब एक, हाँ जी, दोस्त साथी खुदा दोस्त, वंडरफुल, तो चलो दो संबंध, हाँ जी, हाँ, गुरु की शक्ति कौन सा? निर्णय करने की शक्ति। वरदान मिल गया ना, अब आप निर्णय कर सकते हो, जो वरदान है उसके आधार पर आप डिसीशन ले सकते हैं, ठीक है? हाँ, ये तो पता है, मैंने बोला ना यहाँ के बोलना पड़ेगा, अरे शक्ति तो बताए नहीं भाई जी ये वेन वॉज स्मार्ट है, बाकी लोग बोले ठीक है यार, हम क्यों बोले जाकर, ठीक है, चलो 5वां संबंध
सखा, सखा माना हाँ मित्र। अच्छा सखा, अच्छा पहले सखा नहीं, पहले बंधु, बंधु माना भाई, सखा बंधु, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। बंधु माना भाई, ठीक है। तो मैं जगत बंधु, मेरा और बाबा के साथ क्या कनेक्शन, बाबा भी बिंदी मैं भी बिंदी, भाई भाई, वो संबंध, ठीक है। अच्छा अगर भाई है तो कौन सी शक्ति और कौन सा दान, हाँ जी, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, हाँ सहयोग, सहयोग। और कई मतलब उसको अगर दूसरी भाषा में को भाई और मदद नहीं कर सकते, भाई को तो करना ही चाहिए, अधिकार है, बड़े छोटे का आपस का संबंध होता है ना, मेरे पास जो समस्या आएगी उसमें आपको सहयोग देना क्योंकि यू आर माई ब्रदर, ठीक है। सहयोग करने की शक्ति, और कौन सा दान, योगदान, सहयोग का दान कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ, आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा क्योंकि मेरा आपके साथ संबंध भाई का है, आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा फिर है सखा, तो मेरा रोल क्या है, जगत मित्र, बाबा सर्व आत्माओं का मित्र, मैं भी मित्र, जगत मित्र। अब है कौन सी शक्ति और कौन सा गुण, हाँ करेक्ट, जो चीज हम भाई को नहीं बता सकते ना, जो पप्पा को और मम्मी को नहीं बता सकते ना, वो सब फ्रेंड को बता देते हैं। ये फ्रेंड भी बहुत स्पेशल है यार, श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध भाई का नहीं था, फ्रेंड का था, और श्री कृष्ण फ्रेंड ने जितनी मदद की उतनी किसी ने नहीं की अर्जुन को, तो फ्रेंड का संबंध बहुत ब्यूटीफुल होता है। बोले कौन सी शक्ति, फ्रेंड अगर होगा तो कौन सी शक्ति, कितने शक्ति है टोटल, आठ, हाँ ना, सामना करने की शक्ति। अर्जुन भिड़ गया पूरे कौरवों से, क्यों, क्योंकि साथ कौन खड़ा है, साथी, संबंध का अर्थ है साथी, सॉरी संपर्क का अर्थ है, संबंध संपर्क है ना, शिव बाबा के साथ मेरा संबंध स्नेह वाला, संपर्क मीन साथी, वो आपको टाइमली अनटाइमली कोई भी प्रॉब्लम आएगा ना तो वो मेरे साथ खड़ा है, इसीलिए सामना करने की शक्ति। और वो गीत है ना, जिसका साथी हो भगवान, हाँ किसका पिता हो भगवान, ऐसा कोई है ना गीत। आई मीन आई एम अ गुड स्क्रिप्ट राइटर, ठीक है, ऐसा तो कोई गायन ही नहीं है, जिसका मम्मी हो भगवान उसको क्या करेगा, डैश डैश डैश, साथी, साथी माना साथी, हाथ बढ़ाना रे, और अगर भगवान आपका साथी और मैं सारी दुनिया का साथी, आपका साथ मिलने से उनके जीवन का विघ्न दूर होना चाहिए, उनको लगना चाहिए मेरा साथी ब्रह्मा कुमारी है, ये फीलिंग आनी चाहिए। अर्थात कौन सा दान, कौन सा दान, अभय दान, कोई भय नहीं, साथी मेरा भगवान, अभय, अभय दान, बोलते ना मेरा फ्रेंड है वहां पर मिनिस्ट्री में, काम करवा दूंगा, दोस्त है मेरा, और दोस्त दोस्त को बहुत मदद करता है, मित्र, हमारा मित्र कौन है, शिव बाबा, और मैं सारी दुनिया का मित्र, आप पीछे खड़े होने से उनके लाइफ में कोई भय नहीं, कोई चिंता, वो फीलिंग आनी चाहिए सामने वालों को, तो आपका
सर्व संबंध, सर्व अविनाशी प्राप्ति और सर्व सफलता। क्यों? सफलता के लिए गुण और शक्ति का होना बहुत जरूरी है, और गुण और शक्ति स्मृति में होनी चाहिए कि मैं वरदानी आत्मा हूँ, मैं गुणों का दान देने वाली आत्मा हूँ, मैं अभय दान देने वाली हूँ, देने वाला हूँ। जितनी वो स्मृति, उतना वो नशा, उतना वो कर्तव्य, उतना वो कर्म में झलकेगा। ठीक है, तो कितने संबंध हो गए? मात पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा। अब लास्ट दो संबंध विशेष। वैसे तो बहुत सारे संबंध हो सकते हैं, लेकिन विशेष आठ संबंध में दो संबंध हैं, संतान और साजन। ठीक है, लास्ट दो संबंध। तो बाबा मेरा कौन है? शिव बालक, बच्चा है मेरा। अच्छा, बच्चा बना के क्या फायदा? वैसे ही बोलते बच्चे नहीं पैदा करो, बच्चे नहीं पैदा करो, और यहाँ इसको बच्चा बना लो। भैया बताइए, चिंतन करिए लौकिक में, बच्चा माना, बच्चे से क्या फायदा? हाँ बोलिए भाई साहब। हाँ जी, सहारा मिलता है, इनको पति का सहारा भी चाहिए, साथी का भी चाहिए, भाई का भी चाहिए, और बच्चे का भी सहारा चाहिए भाई साहब। बच्चे प्रति ड्यूटी। हाँ जी, आप तो शिव बाबा को दे दिया। अच्छा, समर्पण किया। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, मतलब अगर वो बच्चा तो मैं माता पिता, ऐसे ही है ना। शिव बालक है तो मैं कौन हो गया? मैं मम्मी या पापा हुआ। ठीक है, और मम्मी पापा के लिए बच्चा खुशी देता है। इसीलिए शायद शादी के बाद बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि ये दे नहीं रहे भाई खुशी। ठीक है, सोचा तो था ये देंगे, अब यही नहीं बंद कर दे तो चलो बच्चे देंगे खुशी। अच्छा, और अच्छा छोड़िए, कौन सा दान? आप विश्व के संतान, सारे विश्व का बच्चा, इसका मतलब मेरे लिए हर दूसरा व्यक्ति माँ या बाप, क्योंकि मैं बच्चा हूं ना विश्व का। शिव बाबा बच्चा, मैं माता पिता, और मैं बाप समान, तो मैं बच्चा और ये सब कौन? मेरे पेरेंट्स। आप बताइए कौन सा दान देना है और कौन सी शक्ति? हाँ जी, सम्मान। हाँ जी, उमंग, उत्साह। ओके, ठीक है, खुशी का स्रोत बनना है। देखिए, पुराने जमाने में सच्चे बच्चे माना, हाँ, आज्ञाकारी, और आज्ञाकारी बच्चे जो होते हैं ना, वो मात पिता पे बलिहार जाते हैं, और मात पिता के लिए बलिदान दे देते। बच्चा मात पिता के लिए बलि चढ़ जाए, मम्मी पापा के लिए मैं मरने को भी तैयार हूं, सब कुछ, अपनी कमी कमजोरी सब कुछ बाबा को स्वाहा, बलि चढ़ गया, मेरा कुछ भी नहीं। एक दान इंपॉर्टेंट है, वो है बलिदान, समर्पणता, तो जाकर विश्व कल्याण। आपको सेवा करनी है अपनी माता पिता की। बच्चा माता पिता की सेवा करता है ना, तो शिव बाबा मेरी सेवा करेगा। बाबा क्या कहता है? मुझे अपना बच्चा बनाओ, फिर देखो मैं क्या, आपकी क्या सेवा। जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, तो आपकी लाठी बनूंगा, आपके पांव दबाऊंगा। बच्चा माता पिता के लिए बलि देता है, बलिहार जाता है। एक जन्म आप शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ, और आप 21 जन्म विस्तार को संकीर्ण करना। बाबा को आप बच्चा बना, उसको खिलाओ, उसको पिलाओ, उसको ध्यान रखो, 21 जन्मों का सहारा। बिल्कुल करेक्ट है, कुछ टेंशन नहीं कर, मेरा बच्चा है ना यूएस में है,
हाँ, जो बच्चे लायक होते हैं ना, माता पिता निश्चिंत होते कि हमने बचपन से लेकर अभी तक इसको पाल पोस कर बड़ा किया, अब जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये हमारा ध्यान रखेगा, हमको कोई टेंशन नहीं, मेरा बच्चा बहुत लायक है, वो संभालेगा मुझे रिटायरमेंट के बाद। तो आप क्या बन रहे हो? जगत की संतान, सारे जगत को संभालने वाले, सहारा देने वाले, उनके शुभ के लिए खुद का बलि, वो इम्पोर्टेंट। तो फिर बाबा ने आज मुरली में कहा, आप अपने ज्ञान को, गुण को, शक्ति को सिर्फ खुद के लिए यूज करते हो या दूसरों के लिए भी दान देते हो? ठीक है, लास्ट कौन सा है? लास्ट साजन। ठीक है, तो शिव बाबा मेरा साजन, सच्चा राम, मैं आत्मा रूपी सीता। ठीक है, उसके लिए वैसे तो हम सारे संसार के जगत साजन नहीं बोल सकते हैं उसके लिए, और जगत साधन बोलेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बोला यार गिरीश भाई कंफ्यूज हो रहे। ठीक है, उसके लिए एक शब्द है, शिव बाबा है वृक्षपति, पति शब्द, साजन सजनी माना पति पत्नी, आशिक माशुक, सारे झाड़ का पति बीज रूप, वहीं से सब निकला है। पति माना मालिक, पति पत्नी में एक दूसरे को हम सरेंडर कर देते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, आई डोंट एग्जिस्ट, आई एम फॉर यू। शादी हो गई माना तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग रहूं, तुम ही संग, आप जहां बिठाओ जैसे बिठाओ, पति ने कहा है। पति व्रता नारी, और हमारा पति कौन? आहा, साधारण पति नहीं, ऐसा पति जो कभी मरेगा नहीं। सतयुग में आप लोग व्हाइट ड्रेस पहनेंगे? नहीं, अच्छा नहीं, मैं कितना डाउट में लोग, जैसे पता ही नहीं है। सतयुग का ड्रेस बताइए, हमेशा सजे सजाए दुल्हन की तरह श्रृंगारित, ये वाइट वाइट कोई नहीं पहनेगा, और बिना बिंदी और बिना कान, एकदम ब्यूटीफुल। नारायण लक्ष्मी को देखकर बोलेगा वाह कितनी सुंदर लग रही है, ऐसे बोलेगा नारायण? नहीं। हाँ हाँ जी, अच्छा ये भी अच्छा है, वो नेचुरल है तो है, हम क्या करें। कितना दुख होगी लक्ष्मी को, एक तो मैं इतनी सुंदर, इतनी सच दच क्या, एक बार तो बोल सकते थे ना कितनी सुंदर लग रही है, वो भी नहीं बोलेंगे। क्या ऐसे सच के फायदा। अच्छा नारायण को कोई बोलेंगे आप कितने स्मार्ट लग रहे हो, कितने हैंडसम? नहीं भाई, अभी भी कोई नहीं बोल रहा है, सतयुग में भी कोई नहीं बोल रहा है, कितनी दुख वाली दुनिया। ठीक है, कोई तो बोलना चाहिए ना, आप इतने अच्छे लग रहे हो, नहीं बोलेंगे क्यों? हाँ, क्योंकि ये सुन करके खुशी की आवश्यकता नहीं है कि कोई भाई मुझे सर्टिफाई करे आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, यहां हैंडसम नहीं है, और फिर कोई बोले तो बहुत दिल खुश, वहां तो वो भी खुश, हम भी खुश, सब खुशी खुश। इसीलिए अकर्म की दुनिया है, कर्म का बोल करके पुण्य, बोल करके पाप, बोल करके अच्छा, बोल कर सब अपने आप में संपूर्ण। किसी को सुन कर, देख कर, पहन कर, सज करके जीवन में हैप्पी डे, सैड डे करके नहीं, सदा हैप्पीनेस। ठीक है, तो शिव बाबा वृक्षपति और मैं जगत का वृक्षपति, अर्थात सारे जगत के आत्माओं का मैं बीज रूप, मास्टर बीज। जैसा संकल्प मैं करूंगा, जिस मनोस्थिति में मैं रहूंगा, वैसी ही भावना
पत्नी को फीलिंग, अगर मैं गुस्से में आया घर, वो पत्नी डर जाएगी, बोले रहने दो भाई बात नहीं करते, इनका मूड खराब है, शांत रहो, वातावरण भारी, और मैं वृक्षपति मास्टर जगत का, मैं पति की जो स्थिति वही सर्व आत्माओं को, मैं दुखी तो वो भी दुखी, क्योंकि मैं कौन हूं, बीज हूं, मास्टर बीज, ठीक है। कौन सी शक्ति, एक ही शक्ति बची है समेटने, बस एक को खुश कर लो सारी दुनिया खुश, समेटने की शक्ति। और कौन सा दान, कौन सा दान, शक्ति का दान, शिव शक्ति, शिव मेरा और शिव कौन है, मेरा पति और मैं उसकी शक्ति। शिव का अपना गायन नहीं है, शक्ति का भी अपना गायन है, कंबाइंड गायन है, साथी, पति पत्नी वाला साथीपन का संबंध। तो मैं कौन सा दान देना है, शक्ति का दान देना है, ठीक है। आठ संबंध, तो मेरा सर्व संबंध शिव बाबा के साथ, सारे दिन के जीवन के दिनचर्या में जो भी कर रहे हो उसको देखो, मैं मेरा क्या संबंध। अब आप एक ही हिस्से करेंगे ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप परमात्मा की संतान, तो बोर हो जाएगा। खाना बनाओ, वैसे तो बनाते हो, अब ये आठ स्वमान, आठ शक्ति, आठ दान देखो, प्ले करो उसके, खेलो उसके साथ, सोच लो कि मैं सजनी और वो मेरा पति और मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ, और सिर्फ इसके लिए नहीं बना रही हूँ, जो जो संकल्प करूँगी वो सब सारी दुनिया को बीज का प्रकंपन जाएगा, मैं किस मनोस्थिति से बना, सबको शक्ति का दान, ये खाना खाकर खाने वाले शक्ति संपन्न हो, आपका वो योग हो गया, कर्म योग हो गया, आपका स्वमान हो गया, आपने पुण्य कमा लिया, आपने दान दे दी, आपने शक्ति को स्मृति में, कितने सारे एडवांटेज। कुमार कुमारी माना सर्व संबंध शिवा, हर पल जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ उसमें शिव बाबा आना जरूर, इंक्लूड करो, जबरदस्ती से इंक्लूड करो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे और कर्म के बीच में, मेरे और इस व्यक्ति के बीच में बाप दादा, ठीक है, ठीक है। प्रश्न आपने लिख के रखे हैं कि अभी प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न उत्तर 1 बजे ना, सॉरी 12 बजे, ठीक है। तो अभी के क्लास से कुछ प्रश्न है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अभी यहाँ कौन आके सुनाएगा, वाह वेरी गुड, और हाथ ऊपर, बिना नोटबुक देखे हाँ, वो बच्ची स्मार्ट है हाँ, लिखते लिखते भी चालू था अध्ययन, ओह वेरी गुड, आपने लिखा भी नहीं तो भी याद हो गया, हाँ हाँ, इनके बाद आप बताएंगे, हाँ 2 और बताओ, बस 2 ही लोग, 3 ग्रेट, 4 वाह। कुछ लोग बोल रहे सर स्कूल कॉलेज छोड़े कुछ समय हो गया, ठीक है, ये स्कूल कॉलेज वाले सब इनको याद है, हम लोग वापस पढ़ाई करने में थोड़ी तकलीफ है, ठीक है। चलो कौन पहले सुनाएगा, आज अपूर्वा बहन, इनको माइक है हाँ, वो देखो वो माइक, अपना परिचय दो, कब से ज्ञान में हो, हाँ। मेरा नाम सानवी है और मैं ज्ञान में 8 सालों से हूँ, करूँ शुरू करूँ, तो पहला संबंध जगत माता का, सहन शक्ति और क्षमा का दान, और पिता में समाने की शक्ति और गुणों का दान, फिर शिक्षक में परखने की शक्ति और ज्ञान का दान, सद्गुरु में निर्णय शक्ति और वरदान, फिर बंधु या भाई में सहयोग शक्ति और योग का दान, फिर सखा में सामना करने की शक्ति और अभय दान,
और संतान में बलिदान और विस्तार को सार करने की शक्ति, और साजन में समेटने की शक्ति और शक्ति का दान। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप कौन सुनाए भाई जी, आइए। हाँ तो वही तो सुनाना है। हाँ, तो आपसे निवेदन है, ये भूलेंगे तो आप बिल्कुल नहीं हंसना, ठीक। और अगर ये पूरा सही सही सुनाएंगे तो बहुत हंसना। अरे भूलने पे नहीं हंसना, तो सब सही सुनाएंगे तो हंसना। परिचय दीजिए भाई जी। ओम शांति, मेरा नाम प्रकाश है। कब से ज्ञान में हो? मैं बचपन से ही हूँ। अच्छा। तो पहले मॉम गोद में लेके बैठती थी क्लास के टाइम पे, अभी से ही। वेरी गुड। तो शिव बाबा इनको गोद में लेके ही बैठते थे, ठीक है ना। हाँ, आप कौन से सेंटर जाते हैं? मैं मुंबई वसई सेंटर से हूँ। अच्छा। प्रफुल्ला बहन जी है वहाँ पे हमारे। अच्छा, बॉम्बे से हैं? 3.5 साल से यहाँ पे हूँ, पुणे में। 3.5 साल से यहाँ पर है। और यहाँ कौन सा सेवा केंद्र में? ससानी, ये संकेत पार्क सेंटर है, सातों नगर साइड में। वंडरफुल, गुड। चल स्टार्ट। फर्स्ट वन, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, माफ करना। सो पहले तो कुछ भी हो जाए, पहले माता का है, जगत माता बनना है हमें, क्षमादान की शक्ति हमें हमारे पास होनी चाहिए। सेकेंड वन है पिता का, पिता में समाने की शक्ति हमें होनी चाहिए, सभी की प्रॉब्लम्स फैमिली में, घर परिवार में, संसार में, जहाँ भी हम रहें, हमें सभी की बातें सुन के उन्हें हमारे आत्मिक बल से जो भी हम कंट्रीब्यूट कर पाए, जिनसे उनकी लाइफ थोड़ी सिंपल बने इस आध्यात्मिक राह में, उसकी कोशिश करनी चाहिए। पिता के बाद आते हैं टीचर। टीचर हमें हमारी हर डिसीजन और राह में हमें क्या सही है क्या गलत है ये परखने की शक्ति हमें प्रदान करते हैं, जिसे हमें भी आगे पास ऑन करनी चाहिए। नेक्स्ट, टीचर हमें नॉलेज दे सकते हैं, बट आध्यात्मिक राह पे हमें हमारे सद्गुरु ही आगे ले जा सकते हैं, जो कि हमारे लिए शिव बाबा हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमें दानी बनना है, जो भी गुण हमें हमारे सद्गुरु से मिल रहे हैं वही हमें भी हमारे परिवार में हमसे बड़े छोटे जो भी है उन्हें पास ऑन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले हमें। देन सद्गुरु के बाद फिर आते हैं हमारे बंधु। बंधु हमें हमेशा सहयोग की शक्ति हमें प्रदान करते हैं, जो सहयोग हमें भी एक दूसरे को भी देना है इस राह पे। कई बार हमारी अवस्था भी नीचे ऊपर हो जाती है, हम कई बार जितने एफिशिएंटली ऑपरेट करने चाहिए इंटेलेक्चुअली इस राह पे, हम नहीं कर पाते। ऐसे में एक दूसरे को साथ देना, मोटिवेट करना, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग एंड बैक स्टैबिंग इन अ वे दैट हम कई बार एक दूसरे के प्रति पीठ पीछे भी बात करते हैं कि ये भाई सही नहीं कर रहे हैं वो, एटलीस्ट हमें सहयोग देना उन्हें आत्मिक बल से, एटलीस्ट इफ नॉट वर्बली। सो ये एक बंधु का, जो भाई का काम है, हमें एक दूसरे के लिए करना है। द नेक्स्ट इज साथी। हम सभी को एक दूसरे की हमेशा ही सभी चीज़ें मन के हिसाब से ना हो, शायद कभी हमें ऊपर नीचे लगे हमारी लाइफ में, तो कोई दोस्त हो, साथी हो, उससे हम सुख दुख ये बतला सकते हैं, ताकि वो हमें एक इमोशनल सपोर्ट दे सके और सहयोग दे सके, सामना करने की शक्ति दे सके। इसके बाद हमें संतान की रोल की बात भाई जी ने बताई, जिसमें हमें बलिहार जाना है और सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, एक स्रोत भी बनना है खुशी का सभी के लिए लाइफ में। एंड टूवर्ड्स एंड वी हैव जगत, सॉरी साजन का, जो हमें बताया भाई जी ने, इन अदर वर्ड्स वृक्षपति, जिसमें हमें एक चीज़ मैं भूल गया, एज अ संतान हमें अभय भी बनना है, बच्चे डरते नहीं हैं, जो मन में आता है साफ दिल से बोलते हैं, पवित्र भी रहते हैं। तो इस पवित्रता के राह पे भी हमारे पास बहुत चैलेंजेस आएंगे, बट हमें अभय बनना है। एंड लास्ट वन जो है वृक्षपति का, कि हम, मेरे पिता बीज रूप हैं, मैं मास्टर बीज रूप हूँ, और हमें भी सभी को उसी बीज के प्रति आकर्षित करना है और उन्हीं गुणों को हमारे में धारण करके दूसरों में भी धारण करवाने में मदद करनी है। थैंक यू भाई जी। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओम शांति, मेरा नाम हृदया है और मैं ज्ञान में 4th ग्रेड से हूँ, यानी कि 8 ईयर्स से। पहले सिर्फ भोग के लिए आती थी, बट अभी ज़्यादा
पहले भोग खाने आती थी, अभी भोग बनाती हूँ, है कि नहीं? हाँ, ये अच्छा है। तो पहला संबंध ऐसा परिचय किसी ने नहीं दिया आज तक, मतलब कारण भी बताया, चौथी स्टैंडर्ड में क्यों आती थी, शिव बाबा ओम शांति, भोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, पहला संबंध माता का है, तो हमें जगत माता बनना है और उसमें सहन शक्ति और क्षमादान। दूसरा संबंध पिता का है, उसमें समाने की शक्ति और गुणों का दान। तीसरा संबंध शिक्षक का है, उसमें हमें ज्ञान दान करना है और शक्ति भूल गई। चौथा संबंध सद्गुरु का है, उसमें वरदान देना है और निर्णय करने की शक्ति और शिक्षक में परखने की शक्ति। और फिर पाछा नहीं पता नहीं कौन सा बंधु का संबंध है, उसमें जो कि भाई का संबंध है उसमें सहयोग देने की शक्ति और योगदान। फिर सखा का संबंध, उसमें सामना करने की शक्ति और अभय का दान। और उसके बाद संतान का संबंध है, उसमें बलिदान और बलिहार चढ़ना है और विस्तार को सार करने की शक्ति। लास्ट टुक में रिलेट नहीं होता क्या? लास्ट टुक का रिलेशन फिर साजन का संबंध है, उसमें समेटने की शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करना। माना इस एक जन्म में बाबा पे बलिदान और बलिहार जाएंगे तो 21 जन्म का विस्तार मिलेगा। विस्तार को आपने कुछ नहीं मेहनत करना है, कितना हम लोग मेहनत करते प्रॉपर्टी कमाने में, धन कमाने में, अगले जन्म अगले जनरेशन। इस एक जन्म में बाबा को अपना बच्चा बनाओ और सारी दुनिया के लिए मैं जगत पुत्र हूँ और मैं सबके ऊपर बलिहार जाऊं, तो फिर क्या होगा मुझे? 21 जन्मों का वर्षा, एक पद्मा पदम प्राप्ति एक सेकंड में यहाँ पे। तो विस्तार को आपने क्या कर लिया? सागर को गागर में भर लिया। अब समझ में आया बच्चे? हाँ, बट वो रिलेशन नहीं बनता। कौन सा रिलेशन? संतान और साजन का। मतलब बाबा को वैसे इमेजिन नहीं कर सकते। अच्छा, तो अभी तक नहीं किया? नहीं। हाँ, इसीलिए याद नहीं आ रहा है ना, तो अब करना। तो बाबा कौन है आपका? संतान। वेरी गुड। हाँ, लास्ट सजन। साजन के शक्ति में शक्ति का दान देना। ओम शांति। अच्छा, वो किसको देना है? ओम शांति किसको देना है? आओ आका। या ठीक है, उनके बाद आप बोलोगे जी। आज जी, वेरी गुड। मैं मधुष्का हूँ, मैं अभी जस्ट ज्ञान में आई हूँ, 9th में से, 2022 में आए ज्ञान में। मैं जून, एक महीना भी नहीं हुआ। हाँ, क्या बात है, बोली। हाँ, कहाँ पर आए ज्ञान, कौन से सेंटर? मानवडी सेंटर। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो जो पहला ज्ञान भाई जी ने बोला था वो है माता का ज्ञान। जो पहला गुण बोला था कि हम कैसे बने, वो बोला था कि हम माता बनना चाहिए, हम जगत माता बनना चाहिए, हमें टॉलरेंट हो, सॉरी यार मैं थोड़ी इंग्लिश में बोलूँगी, मतलब मेरी हिंदी कच्ची है, नेवर माइंड अबाउट दैट। तो मैं तो जो पहला गुण है उनका, माता का जो गुण है वो है टॉलरेंट, दैट इज सहन शक्ति। हमें जो सारा कुछ भी गलती हो जाए, किसी से भी कुछ भी गलती हो जाए, तो हमें टॉलरेंट बनना है, हमें वो सहन करना है। दूसरा जो हमें रोल प्ले करना है वो है पिता का, जगत पिता। अभी पिता में समाने की शक्ति है कि जैसे शिव बाबा बोलते हैं कि आप कुछ भी मत करो, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगा। जैसे भाई जी ने भी बोला कि मैं हूँ, मैं कर दूंगा, मतलब भाई जी नहीं, शिव बाबा ने, शिव बाबा करेगा, तो वो समाने की शक्ति। अभी तीसरा आया वो है टीचर की शक्ति, टीचर की शक्ति, वो है परखने की शक्ति।
हमें मास्टर टीचर बनना है, हमें दूसरों को भी सिखाना है कि कैसे परखे क्या रॉन्ग है क्या राइट है ये बताए। इसकी शक्ति हमें दूसरों को भी देनी है और हमें खुद टीचर जैसा भी बनना है। और चौथा है वो है सद्गुरु। सद्गुरु मतलब हर बार जो भी हम कभी भी किससे भी मिले उन्होंने हमें मदद की नहीं तो कुछ भी ऐसा कर तो हर बार हमें वरदान देना है। जैसे भोलेनाथ ने असुरों को भी वरदान दिया था, जैसे भाई जी ने बोला कि असुरों को भी वरदान दिया था और सबको वरदान दिया था, वैसे ही हमें सबको वरदान देना है तो वो भी खुश और हम भी खुश ऐसा हो जाएगा। अभी सिक्स्थ गुण है वो है भाई ब्रदर बंधु की शक्ति, बंधु का गुण कि बंधु में जैसा हम बोलेंगे ना मेरा भाई है मेरा भाई कर देगा, जैसे वो उन्होंने सहयोग देते हैं, वो हमें हर एक काम में सहयोग देते हैं, सहयोग की शक्ति। हर बार हमें सहयोग देना चाहिए, हम भी भाई है हमें सबके सबको सहयोग देना चाहिए। सिक्स्थ है सदगुरु हो गया, बंधु हो गया, सखा। अभी सखा की शक्ति, सखा की शक्ति ऐसी होती है कि जैसे भाई जी ने बोला कि अर्जुन और कृष्ण ये दोनों थे और अर्जुन ने सबसे लड़ाई कर दी, क्यों? क्योंकि उसके पीछे कृष्ण था। कृष्ण बोला कि मेरे साथ मेरा दोस्त है। वो अभय होने की शक्ति, हमें कोई डर नहीं होना चाहिए। जैसे भी हम अगर हमारे फ्रेंड्स हो तो बोलते ना मेरी फ्रेंड है मेरा, मेरे को लास्ट मिनट का, स्पेशली अभी जस्ट मेरी 10th हो गई है तो 10th का लास्ट मिनट रिविजन कैसे होता है कि वो सुबह सुबह पढ़ाई करते ये टॉपिक नहीं समझा, अरे मेरी फ्रेंड है वो लास्ट मिनट में समझा देगी, दैट्स द मेन थिंग। वैसे ही हमें वो शक्ति, अभय होने की शक्ति होनी चाहिए सबके प्रति। उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम अभय, हमारे पास हो वो अभय, मतलब है मेरी फ्रेंड है। वैसे ही शिव बाबा के साथ कि शिव बाबा है मेरे साथ, मैं अभय हूँ, मुझे कुछ भी हो जाए वो है, वो अच्छा कर देगा। फिर उसके बाद जो गुण है वो है, अभी सखा हो गया, एट गुण राइट, एट सेवेंथ, ओ सेवेंथ, संतान, संतान की, बच्चे की गुण। अभी जैसे हम सबने बोला कि हम अगर उनको बालक जैसे बोलेंगे, हम अगर बालक उनको बालक जैसे पालना देंगे तो वो हमें नेक्स्ट 21 बर्थ्स के लिए वो हमें पालन करेंगे। हम अभी उनको पालन करेंगे वो बाद में हमें पालन करेंगे, वैसे ही हमें उनकी पालन करना है तो वो हमारी पालन करेंगे। फिर लास्ट गुण है वो है सखा, दैट इज फिर साजन, मेरी हिंदी कच्ची, आई एम सॉरी, साजन का गुण। हमें मास्टर बीज बनना है कि हमें वो मास्टर शक्तियाँ है जो हमें ऐसा हमारी प्रेजेंस से ऐसा लगना चाहिए कि हम शक्तिशाली है। करेक्ट, शक्ता उसका गुण है, शक्ति शक्ति का शक्ति का दान देना, वेरी गुड, थैंक यू। ओम शांति, मेरा नाम कृष्ण है, मैं ज्ञान में, इधर आओ और इधर नज़दीक, हाँ, मैं ज्ञान में 9 साल से हूँ। कितने साल से? 9 years, ओके, मुझे लगा बहुत साल से हूँ, ठीक है ना, अच्छा ठीक। कल एक छोटा था वो, हम चलो बाबा को याद करते। ओम शांति, तो पहला संबंध है माता का संबंध, उस माता में सहन शक्ति होती है, तो सहन शक्ति और हमें माता किसी को भी क्षमा कर देती है चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, तो पहली शक्ति है सहन शक्ति और ज्ञान दान। दूसरा है क्षमा दान। दूसरा संबंध है पिता का संबंध, पिता में समाने की शक्ति है, हमें जो भी मतलब पिता से हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो समाने की शक्ति और गुणों का दान। तीसरा संबंध है शिक्षक का संबंध, शिक्षक हमें ज्ञान देता है, ज्ञान दान करता है और हमें परखने की शक्ति, अगर हम दूसरों को ज्ञान देंगे तो उनमें भी वो परखने की शक्ति आ जाएगी। और चौथा संबंध है सद्गुरु से, तो सद्गुरु मतलब हम वरदान, दूसरों को वरदान भी देना है और निर्णय शक्ति, मतलब वो निर्णय कर सके उनके लिए क्या अच्छा है, क्या मतलब क्या करना है। पाँचवा संबंध है बंधु का संबंध, मतलब हमारा भाई है तो हमें ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन
कोई टेंशन नहीं होता। तो बंधु का संबंध है और उसमें हम सहयोग की शक्ति है और योग का दान देते हैं। और सिख संबंध है सखा का संबंध, वो दोस्त का संबंध है और दोस्त सबसे क्लोज भी होता है। तो दोस्त हमें लाइक सामना करने की शक्ति देता है और अभय दान देता है। एंड सेवेंथ है संतान का संबंध। तो अगर हम अभी बाबा को अपनी संतान मानेंगे, बाबा हमारे बच्चे हैं, तो बाबा हमें 21 जन्मों के लिए हमें वर्षा देगा, 21 जन्मों का। 21 जन्मों के लिए हमें चिंता की कोई बात नहीं है। और एट शक्ति है, एट संबंध है साजन का संबंध, बाबा से साजन का संबंध रखना है। शक्ति का दान और समेट और बीज रूप है। तो जैसे हमारा, अगर हम खुश होंगे तो सबको हम खुशी देंगे, अगर हम सबके साथ बहुत प्यार से रहेंगे तो सबको सब बहुत खुश रहेंगे। गुड, वेरी गुड महादेव। ठीक है, याद हो गया ना? अब तो सबको याद हो गया होगा। वो ऊपर नीचे हो रहे थे तो हमको याद आ रहा था, नहीं यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, वो भी ठीक है। वेरी गुड। चलिए अभी हम ब्रेक लेना है। हाँ, कितना? 10 मिनट्स ब्रेक। हाँ, फिर हम योग भी करेंगे। अब मैं बस एक बात बता रहा था, कल हम बच्चों के साथ थे तो एक उसमें एक छोटू था, ठीक है, पढ़ता है 5th स्टैंडर्ड में, 5 साल का है। हाँ, देवांश। तो मैंने कहा आपकी एज कितनी है? बोला 5 साल। मैंने कहा कितने समय से ब्रह्मा कुमारीज में आते हो? बोला 10 साल। मतलब उसको पिछले जन्म का 5 भी याद है। मैंने कहा मान है आप, ठीक। बहुत इनोसेंटली बोल रहा, 10 साल से आता हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रहा है, 10 साल। चलिए दीदी। See you.